क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइए प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का, जल्दी से आ जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ ना, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज आपकी चैट फिर से रुक गई है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ जी, कि क्या मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूं? अरे बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे को मोबाइल दे जा। तब तक बैठ जाओ, आराम से सेटल डाउन हो जाओ। हाँ जी, गुरु जी आ चुके हैं क्लास में, फिर कक्षा का आरंभ करते हैं। आरंभ है प्रचंड, लेके मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अपने मोबाइल में थोड़ा एरर है ना भैया, वहां चलती नहीं है चैट। हाँ, एप्पल होने का नुकसान, इसलिए मोबाइल मांग रहा हूं। यहां पे भी नहीं चल रही है। चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या मैं सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? यस यस यस, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आप सब लोगों के गुड आफ्टरनून वाले कमेंट्स मुझे दिख गए हैं, फटाफट एक बार आग और दिल बना के भेजो बहुत सारा, ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी लोगों तक आवाज पहुंच गई है। यस और नो? शानदार 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 शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आ जाइए, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 3 की, ठीक है? और मासूम सा ही चैप्टर है, आप बोल सकते हो इसके बाद में 2 लेक्चर और चाहिएंगे हमें, दैट मींस दिस चैप्टर विल बी डन। ओ भाई, देख रहे हो एक बार? ओ माय गॉड, इतने दिल तो पूरे धरती पे नहीं होंगे जितने एक्साइटेड, जोरदार, मोटिवेटेड नया सीखने के लिए। स्टार्ट करें आज की धमाकेदार कहानी, स्टार्ट की जाए। बिल्कुल सही सर, आज हम बात करने वाले हैं। मैंने जैसे आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी सिखाई थी एक मैट्रिसेस की, और हमने ट्रेस निकालना सीखा था, है ना? तो ट्रेस और डिटरमिनेंट को लेकर कुछ छोटी मोटी 2-4 प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उससे पहले या उसके बाद स्पेशल मैट्रिसेस देखेंगे, 4 स्पेशल मैट्रिसेस, 4 स्पेशल प्रकार की मैट्रिसेस, और उसके बाद में हम ट्रांसपोज की बात करेंगे, और ट्रांसपोज से फिर हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भैया खतरनाक जोरदार, अरे भैया स्टार्ट करें। एक बार लिख के भेजो YS, एक बार लिख के भेजिए YS, ताकि मैं समझ जाऊं। आगे बढ़ने से पहले, काफी दिन हो गए मोटिवेशन की डोज आपको नहीं मिली है, और सिंस ये एक नई शुरुआत है, ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन एंड ITF, ये अगर सेपरेट कर दे हम, तो ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है एलजेब्रा का, समझ गए? मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड करते रहते हैं वी नीड मोटिवेशन। मैंने कहा भैया देखो, पहली मोटिवेशन तो ये है कि आप यहां से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बहुत बढ़िया किया आपने कि आप टाइम के साथ पैरेलल में चल रहे हैं। ना पीछे अगर आप देख सकते हो, तो इसको आप ऐसे बोल दो, सक्सेस का तराजू, समझ पा रहे हो? आए ना, आप लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि सर हम अपनी रैंक या फिर हम कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना गेम को। सर क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर खड़े हो तुम, दिस इज यू, ठीक है? और आप इस टोकरी में बोल दो, तराजू समझ में आता है ना, इस टोकरी में बोल दो, आप इस टोकरी का वजन बढ़ा सकते हो, तब ये टोकरी ऊपर जाएगी, आप डायरेक्टली इस टोकरी के कांटेक्ट में नहीं हो, समझ गए? तो ये वाला आपके कब्जे में है, और ये हमारा जो होता है ना, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, समझ में? नाउ सर यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे और जितना जितना जिसका सेक्रीफाइस होगा, उतना उतना इस टोकरी में वजन बढ़ता जाएगा, ये टोकरी नीचे जाएगी, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगी, समझ पा रहे हो? और एक सर मिनिमम लेवल है कंपटीशन में आने का, एक मिनिमम लेवल है, समझ में आया? तो मिनिमम लेवल अटेंड करने के लिए आप क्या बोल सकते हो सर, कि ये तो होना ही होना चाहिए कि 6 आवर्स आपको अलग से कहीं से निकालकर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब आप 6 आवर का सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब आप वो काम वो 6 घंटे पढ़ाई के नाम लिख दे रहे हो, समझ में आया? फिर और आप बोल सकते हो सर, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पूरा आपने यहां पर सेक्रीफाइस कर दिया, बिल्कुल, फिर ठीक है। फिर आप बोल सकते हो सर एक्स्ट्रा, जो भी हमारा बोलते हैं टाइम वेस्ट, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट जो भी होता है, घूमने फिरने वाला, खेलने कूदने वाला। हाँ जी सर, हमें तो बोला गया था खेलना कूदना इंपॉर्टेंट है, तो देख लो ये एक सेक्रीफाइस वाली चीज है, जितना आप इस टोकरी को ऊपर ले जाना चाहते हो उतना। तो अगर खेलना कूदना जारी रहेगा तो भैया ये 6 घंटे या 7 घंटे कहां से निकाल के लाओगे? 6 घंटे 6 आवर प्लस की बात कर रहा हूं, ठीक है? और आपने क्या किया सर, हमने एक्स्ट्रा टाइम जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं वो, और सोशल मीडिया वाला टाइम, समझ में आ रहा है? और फिर सर हमारी जो स्लीप वाला टाइम है, कौन सा टाइम है? स्लीप।
हमने अपनी नींद भी कम कर दी है, वहां से एक घंटा निकालकर और सैक्रिफाइस कर दिया। और सर हमारी जो अनवांटेड हैप्पीनेस है, समझ में, मौज मस्ती है, वो भी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एमएम मैं लिख देता हूं, क्या मेरी बात समझ गए? मौज मस्ती भी सैक्रिफाइस कर दिया। एक एक सेकंड का वजन इसमें गिरेगा, ध्यान रखना, एक एक सेकंड जो आप सैक्रिफाइस करोगे दैट विल काउंट। और फिर ये धीरे धीरे ये टोकरी जो है ये ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट होगी, समझ में आया ना? अब आप में से कितने लोग इस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं? तो समझ में आ रहा है? अब इसको जितना ऊपर लेके जाना चाहते हो आपको इधर वजन बढ़ाना है। आप चाहते हो कि मुझे और अच्छी रैंक चाहिए, तो भैया और टाइम स्पेंड कर, और घंटे उसमें इन्वॉल्व कर दे पढ़ाई में, और सेल्फ स्टडी में अपने टाइम को डाल, समझ में आ रहा है? और यहां पर कहीं पर अगर आप देखो तो मैंने क्लास रूम टाइम जो आप ये स्पेंड करते हो, ऑल्दो दिस इज नीडेड, ये देखनी पड़ेगी, क्लासेस नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट वो यहां इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। सैक्रिफाइस मतलब एक ऐसी चीज जो आपको छोड़ने में आपको थोड़ा पेन हो। अब जितना ज्यादा पेन आप इस तरफ ले सकते हैं उतनी ही बढ़िया और चमचमाती हुई रैंक आपकी इस तरफ आएगी, ठीक है? तो आप देख लीजिए ये बैलेंस बना के चलना है। आप बोले नहीं सर मैं तो सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकता, तो भैया ठीक है यहां से उठा ले, तो इसमें क्या है, वजन कम हो गया, तो ये वाली चीज जो है नीचे आ जाएगी, समझ पा रहे हो? आया ना? इसमें आपको वजन बढ़ाना है, इसमें सारा कुछ सैक्रिफाइस कर दो, एंड सैक्रिफाइस जो आप करोगे तो बिलीव यू मी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, बड़ी ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। हो सकता है शुरू के एक दो दिन में पेन हो, बट उसके बाद में जब आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे तब आपको लगेगा सर आप सही बोल रहे थे, क्योंकि जब आपको ये टोकरी जो है ये मार्क्स वाली या रैंक वाली टोकरी ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी तो आप अपने आप इसमें और डालना स्टार्ट कर दोगे, बोले लो सर हमारी तरफ से ये भी ले लो। कितने लोगों को बात समझ में आती है ईमानदारी से बताना, यस और नो? आया ना? ठीक है। अपना जो भी तुम्हें चीज प्यारी, अच्छा एक और चीज, जो भी चीजें आप यहां पर डालो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, जिसका आपका मन करता है बहुत ज्यादा, उसका वजन उतना ही ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है? सर इंस्टाग्राम छोड़ देता हूं, सर वो रहने दो, बाकी सब आप मुझसे सैक्रिफाइस करवा लो, तो सबसे पहले समझ जाना कि इंस्टाग्राम ही छोड़ना है, समझ गया? सर खेलने तो मैं रोज शाम को जाता हूं एक घंटे, सर हमारी छठी क्लास से टीम बनी हुई है, हम रोज शाम को खेलने घूमने जाते हैं, वो नहीं छोड़ सकता सर, एक घंटे से क्या फर्क पड़ता है? तो वो तेरे दिल के करीब है, वो यहां डालेगा तो और इस टोकरी को ऊपर लेके जा सकता है, यस और नो? ठीक है। तो भैया ये सारा खेल मैंने आपको समझा दिया सिंपल भाषा में, बाकी पूरी दुनिया पढ़ाई करती है, लेक्चर अटेंड करती है, नोट्स बनाती है। मेरे ख्याल से अगर 10 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बड़ा सा अमाउंट लेके चले, तो उसमें से 9.5 लाख बच्चों के पास अपने नोट्स हैं, है ना? 9.5 लाख बच्चे कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो मतलब सर ये जो चीजें हैं ये तो मैंडेटरी है, इनका काउंटिंग कहीं नहीं है, फिर क्या समस्या है? फिर समस्या है इस चीज की, इसमें सैक्रिफाइस वो कम करते हैं, बाकी सब चीजें तो करते हैं बट इस वाले पार्ट में सैक्रिफाइस वो कम करते हैं। तो अगर आपको जोरदार रैंक चाहिए यहां वजन बढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपने आप रैंक मिलेगी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है, इसको ध्यान से सुनिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा प्लीज, ठीक है? चलिए लास्ट क्लास की जब मैं डाउट्स की बात करता हूं तो मैंने डाउट्स देखे तो मुझे ये समझ में आया, हाँ मैं फटाफट लिख ही लाया। एक बहुत सारे बच्चे हैं ना इस वाले सवाल में ये पूछ रहे हैं, ध्यान सुनना, अब मैं आपको क्लास की बात करते हैं, मोटिवेशन इज डन, आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस और आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक और चीज बताता हूं यार, बार बार अगर आपको रिगुलरसली या रिपीटेडली मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हमें मोटिवेशन एक धक्का, मतलब मोटिवेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक पुश। मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि आपको यहां से पकड़ के वहां तक छोड़ आएगा, आपको थोड़ा धक्का देगा जिससे आप पहले 2-3 स्टेप ले सकते हो, उसके बाद में आप ही को चलना है या भागना है, ठीक है? हाँ, अब सर रोज रोज धक्का ये नहीं होता है, एक बार मिल गया है, अब इस चीज को फटाफट अपने एनर्जी को, इस मोटिवेशन को वर्क में कन्वर्ट कर दो। अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करोगे, जितना ज्यादा काम आपने कर लिया है वही आपको रियल मोटिवेशन देगा, ठीक है? हाँ ना? जैसे कि अच्छा एक और मजे की बात बताता हूं, अगली साल इस वक्त अगर आप चाहते हैं एकदम सिक्योर होना, इस वक्त की क्यों बात कर रहे हो सर? बिकॉज कल से जेई मेंस के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारे भैया और दीदी जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो कल पेपर लिखने वाले हैं, कल से लेके 29 जून तक, तो इस टाइम पे अगली साल जब आप आओ आप कॉन्फिडेंट फील करो, आपका कोई डर ना हो, आपके दिमाग में जितनी भी चिंताएं हैं वो हट चुकी हो, तो उसके लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसे मैं हजारों एग्जांपल दिखा दूंगा जो बैठ के पता है अभी क्या बोलते हैं, जो जिसने अभी 1.5 महीने से बढ़िया पढ़ाई करनी स्टार्ट की, अपने आपको झोंक के पढ़ाई करनी स्टार्ट की, वो पता क्या बोलता है, सर काश ये अकल मुझे है ना आज से 6 या 7 महीने पहले या 12वीं के स्टार्टिंग में आ जाती तो मजा आ जाता सर, मैं पता नहीं दुनिया ही पलट देता, समझ पा रहे हो? ऐसा बोलते हैं वो लोग, क्योंकि अब उन्होंने थोड़ा लेट पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद में उनको टाइम की कमी महसूस हुई। तो भैया ये गलती आप मत कीजिएगा, आपके पास अभी टाइम है, इनफ टाइम है, 12वीं 11वीं जेई मेंस जेई एडवांस सब मन चाहे लेवल तक फोड़ सकते हो, मन चाहे लेवल तक फोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड आप अभी अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं, कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं वेस्ट होता आपको लग रहा है तो उसको फटाफट वहां से वो टाइम हटा दीजिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, कल से जेई मेंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे आपके भैया दीदी देने जाने वाले हैं, ठीक है? अगले साल सर हम कॉन्फिडेंट रहे तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यस, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर रखिएगा। A² - 2A, मैंने एक सवाल दिया था जिसमें शो दैट वाला था, एक मैट्रिक्स आपको दी गई थी 2x2 की, एक मैट्रिक्स दी गई थी 2x2 की, आपको ये शो करना था। इसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर ये आई कहां से आया, मैं कह अरे गजब यार ये क्या सवाल है, कहां से आया, वो ये पूछ रहे हैं कहां से, क्या सवाल में दे रखा है,
मैंने एक मैट्रिक्स आपको दी, मैं वो बोल रहा है कि शो दैट कि इस पूरे ये जो पूरा सम करोगे ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। वो पूछ रहे हैं आई कहां से आया, आई उसने लिखा हुआ है बेटा। और सर फिर अगर आई यहां पर आया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही होगा, क्योंकि अगर तूने ये 3x3 की मैट्रिक्स ले ली तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि 3x3 वाली को 2x2 में नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये मुझे डाउट का लॉजिक नहीं समझ में, उसमें कई लोग थे उस लाइन में कि आई कहां से आ गया सर, ए तो चलो ठीक है, अरे उसने दिया सवाल में शो दैट में, वो लिख के भेजता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एक बच्चे ने यह सवाल पूछा कि सर आपने वो बताया था कि पी क्यू ऐसे लिखा हो माइनस पी आर ऐसे लिखा हो, ये सारी मैट्रिसेस हैं, तो पी लेफ्ट साइड में मौजूद है तो पी आप ऐसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, एलजेब्रा हम सीख रहे थे। फिर एक बच्चे ने डाउट पूछा सर ऐसे अगर क्यू बीच में हो, दोनों के लेफ्ट में अलग अलग मैट्रिसेस, राइट में अलग अलग मैट्रिसेस, अब अगर क्यू बीच में हो तो क्या हम ऐसे इस क्यू को कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट या राइट से, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यह सही लिखा हुआ है क्या, या तो क्यू यहां निकाल दिया या फिर आपने क्या किया ये क्यू इस तरफ निकाल दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर इज नो सर। ठीक है, जिस मैट्रिक्स को आप कॉमन लेना चाहते हो वो एक तरफ होनी चाहिए, उसी साइड से उसको कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक बढ़िया डाउट जो मिला, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। सर आपने एक सवाल में कहीं पर मान लो हमें ऐसा दे रखा हो कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इंटू बी, तो क्या सर बी इंटू ए भी नल मैट्रिक्स होगा, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। समझे कि नहीं समझे, इसको आप दो पार्ट में सोच सकते हो। एक पार्ट तो मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं हर बार, या 90% केसेस में या मैक्सिमम केसेस में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ठीक है। बट एक बच्चे ने स्पेशल डाउट पूछा सर ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो तो बी इंटू ए भी नल मैट्रिक्स होना चाहिए। मैंने कहा आपने एलजेब्रा वाला दिमाग लगाया, तो आंसर इज सर एक्स, वहां पर हम बोलते थे एक्स इंटू वाई नल, अगर जीरो आ रहा है तो पक्का वाई इंटू एक्स भी जीरो होगा, बिकॉज ये वाली दोनों चीजें सेम होती है एलजेब्रा के हिसाब से, नंबर्स की अगर मैं बात करूं। यहां पर मैट्रिसेस है बेटा, इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं कि बी इंटू ए भी नल मैट्रिक्स होगा, समझ गए, है ना। इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, आज एक पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम आज की क्लास पे। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा, और जिसमें मैंने कुछ कुछ चीजें आपको खुद मल्टीप्लाई करने के लिए बोली थी, और बोला था कि वो डिस्कशन नहीं होगा उसका, आपको खुद देखना है। मैंने डाउट्स में देखा है बहुत सारे बच्चे क्या है, ऐसा लिख देता अपना आंसर कि मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर नीचे उसी के ही सपोर्ट में बहुत सारे बच्चे सपोर्ट में कि हाँ ये सही है तेरा जवाब, इसमें -2 की जगह +2 कर ले बेटा, तूने ये गलती करी है, समझ में। इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव माहौल, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव पढ़ाई, बिल्कुल सही। क्लास में भी तो हम यही करते, तो ऑफलाइन बैठे होते, मान लो साइड वाले ने कुछ गलती की, बोले यार ये +2 नहीं -2 आएगा बस, तो ये काम आप यहां भी कर सकते हो, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन सभी जो जवाब मैंने अधूरे अधूरे छोड़े हैं उनके जवाब बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, डाउट वाले में। लेक्चर के नीचे तो तुम लोग क्या कमेंट करते हो वो तो मैं कभी देखता ही नहीं, मैं सीधा डाउट वाले देखता हूं, ठीक है। और एक और बता दूं, जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं ना, हाँ अभी थोड़े दिन पहले जब डिस्कशन हो रहा था, एक सभी टीचर से पूछा गया कि कौन सी चीज़ है जो आप बदलना चाहते हो, बाकी क्या आपको महसूस हो रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स ने यही बोला कि वो जो नीचे कमेंट्स चलते हैं ना उनमें जो जो मिले उनको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, एक रात तो बैठ के मैंने ही ब्लॉक करवाए थे 18 लोग, हाँ आई हैव प्रूफ। उन लोगों का तो इलाज हो चुका है, वो कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, पूरे सेशन में कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है, अगली जो उनका होगा वो ये होगा, जो होता है ना ये तुम कहां से हो, चलो तुम कहां से हो तो चलो फिर भी नॉर्मल है, और भी इंस्टाग्राम आईडी मुझे दे दो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे ज्वाइन कर लो, 5 लोग और आ जाओ डाउट सॉल्व करेंगे। इन सब लोगों का इलाज अब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे किसी चैट में इन्वॉल्व होते हो तो मत होइएगा, क्योंकि अगर ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक नहीं होगा, अनब्लॉक किसी भी तरीके से नहीं होगा, बिकॉज प्रूफ के साथ आपको ब्लॉक किया जाएगा, समझ गए। आपके चैट का वो स्क्रीनशॉट लेकर कि भैया तूने ये कमेंट किया था अब तुझे ब्लॉक, और पूरे सेशन में किसी भी लेक्चर में कमेंट नहीं कर पाओगे, देख पाओगे, तो इसलिए ऐसी सब हरकत मत करना, हाँ ठीक है। हाँ ये नहीं बोला जा रहा कि आप अपना डाउट ना पूछो, पूछो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये सब बातें अगर कोई उलझल उल जो चैट में नीचे माहौल खराब करे, समझ में आया, हाँ जो ये मतलब मुझे वो कमेंट देखकर ये लगा कि यहां पर यार वो चीज ये गलत प्रूव कर रहे हैं कि सस्ता मतलब घटिया, समझ में आया, समझ में घटिया नहीं है जी, घटिया तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी कौन, वो दो चार जो लड़के होते हैं लॉन्डे या कुछ भी बोल दो, फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी सब जगह मिलते हैं, तो वो लगे हुए हैं। और मैंने बहुत पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, मेजर पार्ट ऑफ दिस बैच 99.99% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग वहां कमेंट किया करें। मैं आपकी मनोस्थिति भी जानता हूं सर, हम वहां क्या कमेंट करें, वहां पता नहीं क्या चल रहा होता है, एक कोई गलती से लड़की कमेंट कर दे तो उसके पीछे 50 लड़के पड़ जाते हैं, अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दो तो वो बेचारी वहां पर कमेंट नहीं करती है, ये मैं जानता हूं, ये ऐसा चल रहा है, इस पर वर्किंग अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आप इन सब हरकतों में इन्वॉल्व हो तो प्लीज हट जाना, बिकॉज ब्लॉक हो गए तो फिर आप मेल करते रह जाओगे कि सर हमें अनब्लॉक कर दो, हम चैट नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल से समझदार बच्चा तो कोई करता भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से समझदार जो होगा वो तो कोई करता भी नहीं होगा, है ना, समझ गए मेरी बात, है ना, हाँ वही निब्बा निब्बी चौंच लड़ा रहे हैं, जैसे राजवंत सर बोलते ना चौंच लड़ाने पहुंच जाते हैं वहां पे, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए,
और हाई लेवल की बातें चल रही है, पता नहीं क्या, ठीक है। और यहां पर ऑनलाइन चौंच लड़ाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। हाँ सामने आएगी ना वो, या वो जब सामने आएगा चल के, शकल से अपने आप, मतलब मुंह से अपने आप तूक निकल जाएगा, बोले ये अरे यार टाइम वेस्ट टोटल, तो उससे पहले सुधर जाओ और सामने देखकर पढ़ाई करो। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की। आपसे पूछा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, अगर मैं आपसे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर पूछता हूं, इसका मतलब उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके साथ। फिर से साथ में आपने यह भी बताया था कि ए इंटू बी के स्क्वायर को हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें, या फिर ए ए बी बी लिखें, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी ए बी। इनमें से कौन सा सही है, पहला दूसरों या तीसरो, 1 2 3 में से कमेंट करो कौन सा सही है, बोलो पहले दूसरे और तीसरे में से कौन सा सही, जल्दी से बताइए प्लीज। बिल्कुल सही सर, दिस इज तीसरा। आप यहां पर, हम क्या है एलजेब्रा वाला दिमाग लगाकर हम कोई गलती नहीं करेंगे। सर ये गलत लिखा हुआ बिकॉज आपने ये पावर बांट दी, दिस इज रॉन्ग ऑब्वियसली। ए ए बी बी मतलब सर आपने यही चीज ऐसे लिख दी, ए स्क्वायर का मतलब ए ए, बी स्क्वायर का मतलब बी बी, ये भी रॉन्ग है। ये ठीक है सर, क्योंकि ए बी की पावर 2 है, मतलब ए बी एक मैट्रिक्स दूसरी भी मैट्रिक्स ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे प्लीज, बिल्कुल सही। नाउ इसी बात को ध्यान रखते हुए जब मैं ए प्लस बी का स्क्वायर पूछता हूं, इसी बात को ध्यान रखते हुए जब मैं ए प्लस बी का स्क्वायर पूछता हूं, तो इसका मतलब है बेटा ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन विद ए प्लस बी, है ना। अब ध्यान सुनना, इसको अंदर भेज दो लेफ्ट से चाहो तो, इसको अंदर भेज दो लेफ्ट से, और चाहो तो इसको अंदर भेज दो राइट से, किसी भी एक ब्रैकेट को किधर भी भेज दो। तो जब ये ए इसके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए, इसको आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल सही। जब ये ए इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए लेफ्ट में है बी राइट में, बिल्कुल सही। लेफ्ट राइट वाला चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। और जब ये वाला बी जो है, अच्छा सॉरी, अब ये वाला जो ए है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर ये वाला जो बी है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तब हमारे पास कमेंट आएगा बी ए, समझ में आया। तब हमारे पास क्या आएगा टर्म निकलकर बी इंटू ए बी ए। और सर जब ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, समझ पा रहे हो, बीच में टर्म्स दिख रहे हो। अगर आप इसको वैसे ही एक्सपेंड कर देते तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो गलती नहीं करनी है, वो गलती आपको नहीं करनी है। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना, कितने लोगों को बात समझ में आई। एक अभी भी लिख रहा है सर व्हाई नॉट, व्हाई डोंट वी कैन, मतलब व्हाई कांट वी यूज दैट आइडेंटिटी। बेटा आइडेंटिटी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये ए और बी वो नहीं है एलजेब्रा वाले, दीज आर मैट्रिसेस, आया ना। तो इन दोनों को क्लब करके आप एक नहीं बना सकते। फिर मैंने बोला स्पेशल केस, ध्यान सुनना स्पेशल केस प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कब लिख सकता हूं, कमेंट जानना चाहता हूं। इफ ए बी बराबर बी ए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब आप इनको जोड़कर लिख सकते हो। मैंने पूछा ए बी बराबर बी ए कब होता है, बोले सर बता रखा है व्हेन ए एंड बी कॉम्यूट, जब ए और बी क्या करें कॉम्यूट करें। कॉम्यूट का मतलब होता है ए बी बराबर बी ए। बराबर इक्वल वाला कौन है भाई ये, अबे झंडू बोल रहा है सर जब ए और बी बराबर हो जाए फिर तो ये सारी टर्म्स भी बराबर हो जाएगी। बेटा कैसी बात कर रहा है यार, व्हेन ए एंड बी कॉम्यूट, बहुत सही चैट चल गई है। ए एंड बी कॉम्यूट का मतलब समझ में आ गया ना, हाँ ए बी बराबर बी ए, बिल्कुल सही। भांग खाने वाले जवाब ना दे, सामने देखकर सही से जवाब दे बेटा, ए बी बराबर बी ए, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये वाली चीज है हमारे पास ऑलवेज, ये वाली चीज जो लिखी हुई दिस इज ऑलवेज, और ये वाली चीज कब, इफ ए एंड बी कॉम्यूट, समझ गए, आया ना, क्लियर है एकदम, बहुत सही। अब यहां आ जाओ सर, इसमें भी सेम कहानी है, इसमें भी सेम कहानी है। आप इसको लिखोगे ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन विद ए माइनस बी, मैंने कहा बिल्कुल सही, बोलना स्टार्ट कर। ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन बाहर, ए लेफ्ट में तो माइनस ए बी, माइनस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए, और माइनस बी इंटू माइनस बी दिस इज प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा। और मैंने बोला स्पेशल केस, स्पेशल केस सर आप इसको ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, वो भी कब, जब व्हेन ए एंड बी कॉम्यूट, जब ए और बी कॉम्यूट करें तब आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ टेक्निकल लोग होंगे जो ये बोलेंगे सर 2ab क्यों, मैं तो 2ba लिखूंगा। बेटा जब कॉम्यूट करते हैं तो ab और ba बराबर होते हैं, तो आप चाहे यहां पर ab लिखो या ba लिखो, यहां ab लिखो या ba लिखो, फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ ना। एंटी कम्यूट का क्या कहानी है, अगर मान लो एंटी कम्यूट होता तो इसी में ऊपर वाले में, अगर मान लो ए और बी एंटी कम्यूट हो जाए तो सर ए बी और बी ए, ये आता था जवाब, ध्यान सुनना इसका जवाब यही बचेगा सिर्फ, इसके तीन जवाब लिख दिए मैंने, ध्यान सुनना इसके तीन जवाब लिख दिए हैं, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा सर। ये वाली टर्म जीरो कैसे हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो तब होगी जब ए और बी एंटी कम्यूट, समझ में आया। यहां पे इसके बगल में लिख दे रहा हूं एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट का मतलब कितने लोगों को पता, लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में। वाई एस एंटी कम्यूट में सर ए बी बराबर माइनस बी ए होता है, एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं, तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
शानदार। वैसे ही अगर मान लो मैं इसमें पूछ लू तो सर आपका क्या है? पूछो, पूछ लोगे तो बताएंगे। इसमें अगर मैं पूछू तो ए बी बराबर माइनस बी है तो सर ए बी की जगह माइनस बी ए रखोगे तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जवाब फिर से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किस केस में? व्हेन ए एंड बी एंटी कॉम्यूट। क्या मेरी बात समझ में आती है? और ये नाम जो है ना आपको पिछली क्लास में सिखाए थे, और मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा नाम वाला है। अरे वाह यार, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट बात समझ में आ गई होगी। अब सर अगर आप इसका जनरल रिजल्ट जानना चाहते हो, ध्यान सुनना, इसका जनरल रिजल्ट बिना कुछ कंडीशन के, ये बीच वाला जनरल रिजल्ट है दैट इज ऑलवेज, इसमें भी ये वाला जो रिजल्ट है दिस इज ऑलवेज जनरल रिजल्ट। ये रिजल्ट तब वैलिड है जब स्पेशल कंडीशन कॉम्यूट वाली दे रखी हो, ये वाला रिजल्ट तब वैलिड है जब स्पेशल कंडीशन एंटी कॉम्यूट वाली दे रखी हो, है ना? अब यहां आओ, ठीक है, अब यहां आओ सर। इसमें अगर जनरल रिजल्ट की बात करें तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस ए बी, आराम से देख ले, ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस ए बी, ठीक है, ए लेफ्ट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी स्क्वायर। ये इसका ऑलवेज वाला रिजल्ट है, समझ गया? ये इसका कौन सा रिजल्ट है? ऑलवेज वाला। बट फिर मैंने पूछा कॉम्यूट वाले केस में बता दें, सर कॉम्यूट वाले में ये दोनों बराबर होते तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जवाब आ गया ए माइनस बी स्क्वायर अगर ए एंड बी कॉम्यूट करें तो। आइडेंटिटी लगानी सिखा रहा हूं भैया, काम आएगी, ध्यान रखना। क्या लगानी सिखा रहा हूं? आइडेंटिटी लगानी सिखा रहा हूं, काम आएगी मेरे ख्याल से, समझ पा रहे हो? सिमिलरली ए प्लस आई एंड आई प्लस ए, एक छोटी सी जानकारी यही दे देता हूं, वो ये है आई एंड ए कॉम्यूट करते हैं, ऑलवेज कॉम्यूट, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को पता है सर ये बात? आपने क्लास में, लास्ट क्लास में बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर अपने सेम ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूट करती है, यस और नो? हाँ ना, ठीक है, ये समझ में आता है? अब आप चाहे ए प्लस आई लिखो चाहे आई प्लस ए लिखो, कौन है अभी ये मिस्टेक वाला? अब ये दोनों हट जाएंगे तो यही तो होगा, ये जी डी वी डी वाला कौन है बे? है ना, क्या आपको पता है कि ये दोनों ऑलवेज कॉम्यूट करती है? तो बस फिर इसमें हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। कौन सा एक्सपेंशन? बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता है मैं आपको अलग से बता देता हूं, ध्यान सुनना। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसा होता है बेटा, ए प्लस बी, ये रियल नंबर्स के लिए बता रहा हूं, एन हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें ये नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, उसी लिए सिखा रहा हूं। तो सर एन सी जीरो फर्स्ट प्लेस वाले पावर प्लेस, फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर एन। अब एक काम करो, ध्यान सुनना, पहले तो आप ये लिख लो एन सी जीरो, फिर आप ये लिख लो एन सी वन, फिर लिख लो एन सी टू, फिर लिख लो एन सी थ्री, और ये चलने दो ऐसे, ठीक है, ये लिख लिया। अब जो फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है उसकी पावर आती है इन दोनों का डिफरेंस, एन में से जीरो गया, एन में से जीरो गया एन। सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर आती है जीरो, जो यहां लिखा हो, वापस सुनो, जब भी मैं एन सी टी लिखता हूं तो फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसकी पावर में आएगा एन और टी का डिफरेंस, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर में आएगा यहां लिखा हुआ नंबर, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए सिखा रहा हूं, ठीक है, फटाफट, ठीक है सर। फिर प्लस साइन, अगला फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, एन में से एक गया एन माइनस वन, सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर हो जाएगी यहां लिखा हुआ वन प्लस। फिर सर फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर आ जाएगी एन में से टू गया एन माइनस टू, सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर यहां लिखा हुआ नंबर दैट इज टू। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओ बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। सर कितनी देर तक चलेगा मुझे? मैंने कहा जहां तक एन सी एन बन जाए, एन सी एन। तो फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर जीरो, एन में से एन गया, सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर एन। कुछ हमारे पास नए बच्चे जुड़े हैं तो वो एनसीआर का मतलब नहीं जानते हैं। एनसीआर होता है बेटा एन फैक्टोरियल, नीचे आएगा आर फैक्टोरियल, एन में से आर गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर लिख दे रहा हूं, इसको देखकर परेशान नहीं होना है, इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये कभी कभी यूज होता है, ठीक है, रेयरली यूज होता है इस चैप्टर में, फिर भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है, हाँ ना, दिस थिंग इज रेयरली यूज्ड। एनसीआर जहां जहां पर दिखाई दे रहा है वो ऐसे सॉल्व करना है। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, जो लोग ये पूछ रहे हैं व्हाट इज सी हेयर, तो बेटा ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है यार, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पिछली क्लास 11th में एक चैप्टर था, वहां से उठा के लाया हूं इसको। अब सर ये तो गड़बड़ हो गई, आपने तो 11th पढ़ा ही नहीं हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी जरूरत पड़ी उतनी बता दी ना। एनसीआर की वैल्यू ऐसे सॉल्व करनी है, समझ गया कि नहीं समझिया? एक हमारे साथ आ चुके हैं कंडक्टर टाइप का आदमी, बोल रहा है एनसीआर मतलब दिल्ली। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, एक खरीद ले सीटी छोटी सी जिसके अंदर वो होती है ना बेर वाली गुठली, है ना, सीटी मारो करके बजती है। दिन में आप सीटी बजाकर आराम से कंडक्टर की नौकरी कर सकते हैं, और रात में आप चौकीदार की, बिल्कुल सही। कहां आईआईटी वाईटी के चक्कर में लगे हो? मान लो कहीं आपको 5C2 दिखाई देता है, तो सर यहां पे आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल ऊपर वाला एज इट इज, जो 2 है उसका फैक्टोरियल नीचे, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यहां एक और, ऐसे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे?
अब इस एक्सपेंशन को याद रखना भैया, पुराने चैप्टर का है, बता दिया है, अब आप इसमें बोलोगे सर ये समझा दो, समझ में? बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं समझा दो सर, समझने का कुछ नहीं है। जिन लोगों ने पिछले साल बाइनोमियल पढ़ी है वो भी यही बोलेंगे सर हमने ये याद किया है, ठीक है, तो आपको ये याद करना है, ठीक है भाई? बिल्कुल सही सर। अब इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ध्यान सुनना मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो सर पहली टर्म आ जाएगी एन सी जीरो, फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल कौन है? मैट्रिक्स ए, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस। सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल कौन है सर? मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी पावर जीरो। सेकंड टर्म एन सी वन, फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल कौन है सर? ए, इनका डिफरेंस एन माइनस वन। सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल कौन है सर? वन, सॉरी सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी पावर वन। आगे चलो एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, है ना, और सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल कौन है सर? आई टू। सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल तो सर सिर्फ आई है, उसकी पावर टू, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर टू। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सही सही बताना। ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा? एन सी एन, फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है मैट्रिक्स ए, उसकी पावर जीरो और आई की पावर एन। कितने लोगों को इस बात का एकदम अच्छे से अंदाजा है कि आई की आप कोई सी भी पावर ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सी भी पावर ले लो, और जब मैं कोई सी भी पावर की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल पावर्स या फिर होल नंबर वाली पावर्स। समझ में आएगा नहीं समझ में? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल पावर्स। क्या मेरी बात समझ में आती? तो अब ध्यान सुनना, इसकी जगह आप आई की पावर जीरो की जगह भी आप आई लिख सकते हैं, ये भी लो। क्योंकि आपने लास्ट क्लास में बताया था सर किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर आप जीरो रखते हो तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सिवाय नल मैट्रिक्स को छोड़कर, है ना? ये बात समझ में आई? हाँ ना? तो इसमें आप सीधा सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों लगा पाए? क्योंकि ये वाली दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये कॉम्यूट करती हैं। जब मैट्रिसेस कॉम्यूट नहीं करे तो भैया जनरल रिजल्ट ये है, ध्यान रखना, जब मैट्रिसेस कॉम्यूट नहीं करे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, कॉम्यूट नहीं करे तो यहीं रुक जाऊंगा, कॉम्यूट नहीं करे तो यहीं रुक जाऊंगा। अगर मुझे ये सब चीजें सवाल में एक्स्ट्रा दे रखी होंगी, कॉम्यूट कर रही है एंटी कॉम्यूट, फिर मैं इसके अगले स्टेप पे जाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? सही सी बता रहा हाँ। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं आई की पावर जीरो वन कैसे हो गया, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगी, ए की पावर जीरो से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछली क्लास में आपने लिखवाया था, ऐसा होता है बेटा, आप इसकी एलजेब्रा सीख रहे हो ना तो ऐसा होता है, ऐसा बोला गया जिन लोगों ने मैट्रिक्स बनाया ना, उन्होंने बोला कि जहां पे भी हमें पावर दिखाई देगी वहां पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार लिख के भेजो, ठीक है? नाउ इसी बेसिस पर हमने क्या किया, ध्यान सुनना, जब हमने इस रिजल्ट को देखा तो हमने ये देखा कि सर ये वाली चीज इसकी तरह लिखी जा सकती है अगर ए और बी कॉम्यूट करे तो, ये वाली चीज इसकी तरह लिखी जा सकती है अगर ए और बी कॉम्यूट करे तो, ये वाली चीज नॉर्मल की तरह लिखी जा सकती है अगर दोनों मैट्रिसेस कॉम्यूट करे तो, है ना? बहुत सही, बीएमडब्ल्यू लिख के भेजो यार, बहुत सही। हाँ ऐसे ही होता ना। तो एक वेरी स्पेशल नोट क्या है, जब मैट्रिसेस कॉम्यूटेबल दे रखी हो, मैट्रिसेस कैसी दे रखी हो, कॉम्यूटेबल, जब कॉम्यूट कर सकती हो दे रखी हो, तो आप नॉर्मल एलजेब्रा की तरह आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, आप नॉर्मल एलजेब्रा की तरह आइडेंटिटीज लिख सकते हैं अगर आपको मैट्रिसेस ए और बी कॉम्यूट करती हुई दे रखी हो। जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ आई प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूट करती है, मैंने पूछा कैसे लिखूं इसको, बोले आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आई ए। जिसको अगर और ढंग से देखोगे आप तो ये यही लिखा हुआ है, आई स्क्वायर की जगह आई, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई, और टू आई ए लिखो, ए आई लिखो या फिर टू ए लिख दो, एक ही बात है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि यहां पे ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये ऑलवेज कॉम्यूट, हाँ है ना? अब इधर आ जाओ, यहां पर दे रखा है, ध्यान रखना प्लीज, ए एंड बी कॉम्यूट, ये आपको दे रखा है कि ए और बी अगर कॉम्यूट करें तो, या चलो दोनों लिख लेते हैं, अगर ये कॉम्यूट नहीं करते तो हम इसको ऐसे लिखते ए बी ए बी ए बी, ये होता इन जनरल रिजल्ट। ये कैसा होता बेटा रिजल्ट? इन जनरल। बट अगर आपको दे रखा हो कि ये दोनों कॉम्यूट कर रही हैं तो आप इसको ए क्यूब इंटू बी क्यूब भी लिख सकते हो जैसा नॉर्मल में होता है, अगर इफ ए एंड बी कॉम्यूट, है ना? कोई परेशानी है किसी को? हाँ, ये तब लिख सकते हो जब ए और बी कॉम्यूट दे रखा हो, पहले बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए, इसको क्या लिखोगे? इन जनरल बोलो सर, यह आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है, जिसको आप लिख सकते हो आई माइनस ए स्क्वायर, है ना? तो आप नॉर्मल आइडेंटिटी लगा सकते हो अगर आपको दो मैट्रिसेस कॉम्यूट करती हुई दे रखी हैं तो। समझ गए? लिख के भेजो, बहुत बढ़िया, वाह। एक लड़का यही चैट में ही चैट करके पूछ रहा है व्हाई चैट इज नॉट वर्किंग, वाह बेटा वाह, शाबाश। गुप्त दान महाकल्याण किसको बांट दिया था? हाँ सर, एक दिन मंदिर गया, वहां पे बोला दान पेटी में कुछ दान करो, हमारे पास भगवान ने जो सबसे कम दिया था हम वही दान करा है, बोले ये रखो यार, इसका कोई यूज आ नहीं रहा। समझ में आएगा नहीं समझ में? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
आई स्क्वायर की जगह आप आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगली चीज पे आता हूं। अच्छा, ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां यूज होगी? सर ये यूज होगी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, समझ में। नाउ अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नाम की भी कोई एक चीज होती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा, ये वाली लाइन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप यहां देखो। ठीक है सर, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये वाली, और उसने एक हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया और उसने बोला कि आप एफ ऑफ ए बताओ। सर ये क्या लॉजिक है, ये क्या है? एलजेब्रा के साथ आपने मैट्रिक्स मिक्स कर दी। तो मैंने कहा तेरे को तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे इसमें ऑपरेट करते हैं। अगर यहां पर आपसे वो एफ ऑफ ए पूछ रहा है, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर रखना, ध्यान सुनना। अगर वो यहां पर आपसे एफ ऑफ ए पूछ रहा है, तो जहां जहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर मैट्रिक्स ए रख दो। इतना ही लिख के अगर आप पीछे हट गए तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है, सर इसमें अभी कुछ जीडीबीडी है? कितने लोगों को यह बात समझ में आती है इसमें कुछ अभी जीडीबीडी है? मैंने पूछा क्या जीडीबीडी है, बोले सर ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स और ये एक नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये इक्वेशन तो नॉट डिफाइंड है। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर समझदार लोगों ने यह बोला कि जब आप ऐसे पुट करोगे तो जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी ना, जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी उसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। उसके साथ आप क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। उसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। अब ये पूरी चीज डिफाइंड हो गई। अब मैं आपसे एफ ऑफ ए पूछना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां पर एफ ऑफ ए और कुछ नहीं, ये भी एक मैट्रिक्स ही है। एफ ऑफ ए क्या आएगी निकलकर, सर ये भी एक मैट्रिक्स ही निकल के आएगी जो कि इसकी मदद से सॉल्व की जाएगी, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे ए स्क्वायर पूछूं, सामने देखते रहना, समझ में क्या करना है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल सिर्फ सुनने में एक अलग सा जवाब है। ठीक है, हाँ, बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या नई चीज सिखा रहे हो। अरे नई चीज कुछ भी नहीं है भाई, सब पुराना ही है। इसमें वो बोल रहा है कि बस ये मैट्रिक्स उठा के इस पॉलिनोमियल में रख दो। तो आपने सिर्फ एक चीज बताई, जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे तो हमने रख दिया। सर बात आई कॉन्स्टिट्यूशन की, बात कर रहा हूं, बात आई कॉन्स्टेंट टर्म की। तो कॉन्स्टेंट टर्म में आप सेवन के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे। फटाफट बताओ ये कितना आ रहा है, जल्दी से। सर ए स्क्वायर निकाले, मैंने कहा बिल्कुल निकालते हैं, -1203, बिल्कुल सही, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, -1203। बताना जरा कितना आ रहा है भाई, चेक करते हैं किसका जवाब सही आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक और ये, वाह। फिर सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 6 -2 6 4। कमेंट में आप ऑर्डर में लिख के भेज दो नंबर। हाँ 1409 आ चुका जवाब। सर ये और ये 0 0 0 9 1409 इज द ए स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, बस सर काम खत्म। 1409 तो यहां पर आ गया, -3 × मैट्रिक्स A क्या है, -1203 और 7 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर अगर मैं मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 3 की ले लूं तो बेटा फिर तू बाहर हो जाएगा कंपटीशन से, हाँ है ना? हाँ, फिर तुझे सारे इंजीनियर लोग आके बोलेंगे ए छोटू दो कप चाय देना, अच्छा लगेगा? नहीं सर, हाँ जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं इनके बाहर, हाँ, गेट के बाहर निकलती है एक चाय की, ऐसे वो ठेले वाली दुकानें होती हैं, तो थोड़ा बच के, ठीक है, कंपटीशन इज वेरी हाई। चलिए आ जाइए, सर 7 को अंदर भेजो, इस -3 को अंदर भेजो, हम संभाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 1409 ये -3 अंदर जाएगा, यहां से -3 अंदर गया तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना सबसे मल्टीप्लाई, -6 0 -9, बहुत बढ़िया। सर 7 को अंदर भेजा तो 7700, वाओ, जेम्स बॉन्ड मैट्रिक्स। एक ने लिख लिया फटाफट, बोले सर आपने ही बोला था जो जो चीज मैं बोलूं सारी लिख लेना, 07 मतलब 70 मतलब सर ये जेम्स बॉन्ड वाली मैट्रिक्स है। अबे नहीं बे, सामने देख, 1 3 7 11 6 सॉरी 4 -6 -2 0 0 0, ओ हो हो, सर ये है हमारे पास एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। आ रहेगा नंबर बताना, 11 -2 07 11 -2 07, मैच्ड एकदम, मैच्ड भैया मैच्ड। सर एफ ऑफ ए इज ए नल मैट्रिक्स। अगर आपको कभी पता चलता है कि ऐसे आप एफ ऑफ ए निकालते हैं और ये पूरी की पूरी नल मैट्रिक्स आ जाती है, ध्यान सुनना, ऐसी नाम एक डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसमें किसी पॉलिनोमियल में एक मैट्रिक्स रखते हैं और वो पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको पता चलता है कि वो एक नल मैट्रिक्स आ गई, मतलब ये पूरा उसको रखने के बाद में वो पूरा पॉलिनोमियल नल मैट्रिक्स बन जाता है, तो आप उसको बोलेंगे वो मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। समझ में आया, क्या कहलाएगी, रूट, क्या कहलाएगी, रूट। कूल है ना, कंफर्टेबल, बोलो। अबे तेरे से ही पूछ रहा हूं, क्या देख रहा है, मालिक एक उधर देख रहा है, बोले बोलो किससे बोल रहे भाई साहब। तुम्हारी स्क्रीन पे नॉक कर रहा हूं,
समझ में आया? देख के समझ बता, समझ में आएगा कुछ? बोले हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी है, उसको रूट ऑफ ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए जी अगला पॉइंट छोटा सा ही है, ध्यान सुनना। कभी आपको दो तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखी हूं, ठीक है, जिसमें बीटा के साथ मतलब ये सब कौन जो कैपिटल लेटर वाली है ना बेटा, बी सी और ये डी, ये सब तो मैट्रिसेस है, और ये अल्फा बीटा और आर, आर भाई साहब एक जगह आर छाप दिया एक जगह गामा छाप दिया, वास्तव में भांग जो है लगता है सस्ते में मिल रही है आजकल, ठीक है। सामने देखना, दो तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है और साथ में वो पहले एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद में ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी। तो ये बोलता है, ये जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि सारे कॉन्स्टेंट्स को अल्फा बीटा गामा को सबको बाहर निकाल दो, एक साथ कॉन्स्टेंट्स को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा बीटा गामा एक साथ और मैट्रिसेस को एक साथ लिख दो, जवाब जो है वो सेम आएगा, जवाब जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। वेयर, जहां पर ये बात लिखी हुई है अल्फा बीटा गामा क्या होने चाहिए, स्केलर होने चाहिए, स्केलर मतलब कॉन्स्टेंट नंबर, क्या मेरी बात समझ गए, है ना। अब इधर आओ, अगर इसी केस में, इसी केस में बोला है बेटा, इसी केस में नहीं बोला है, ठीक है, हाँ सर मैंने कहा हाँ आप सही से बोला करो, मैंने ठीक है। देख मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, इनके आगे कॉन्स्टेंट की बात करो तो माइनस वन थ्री और टू है, तो इसमें आप प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो माइनस सिक्स बाहर निकाल दो और बी सी डी की जो पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, बी सबसे पहले सी बाद में फिर डी बाद में। अरे समझ में आएगी नहीं, ये सब एलजेब्रा सिखा रहा हूं ताकि आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप्स आए तो आपको ऐसे करना है, अपनी मर्जी से कुछ मत कर देना वहां। माइनस सिक्स इंटू बी सी डी, बहुत सही, यहां आ जा, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर बी माइनस टू सी, उसने पूछा ए स्क्वायर बता, और बी और सी के बारे में कोई कम्यूटेबल नहीं दे रखा है, सर ए स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, बोले सर माइनस टू बाहर निकाल दो, मैंने पूछा क्यों, बोले ये देखो आपने सिखाया है, मैंने कहा हे भगवान प्रभु इसकी नाभि में तीर मारो, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो, ऐसा नहीं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में हो तब आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, जब मल्टीप्लीकेशन में हो तब आप इकट्ठा कर सकते हो। ये कौन है प्रिंटिंग मिस्टेक भाई साहब, सही बात है, एडमिशन देते वक्त फॉर्म में लिख दिया करो यार तुम लोग, हम नेता टाइप के लोग हैं सर, ठीक है। अब इधर आओ, माइनस टू को आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है भाई, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वहां पर ऐसी कोई कलाकारी नहीं सिखाई है, ध्यान रखना। तो बी माइनस टू सी को मल्टीप्लाई करना है सर, बी माइनस टू सी से, बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, बी को बी से, दैट इज बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यह आ जाएगा माइनस टू, टू बाहर सी इंटू बी, बिल्कुल सही सर, जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू सी इंटू बी, सॉरी बी इंटू सी, और जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर सी इंटू सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास जनरल रिजल्ट आ गया, समझ में आया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया अगर ऐसा कोई कांस्टेंट बीच में फंसा हो तो, क्या मेरी बात समझ गए, आया ना। अगर बी और सी कम्यूटेबल दे रखे हो तो इसको आप माइनस फोर बी सी कन्वर्ट कर सकते हैं, बी और सी कम्यूटेबल दे रखे हो तो इन दोनों टर्म्स को क्लब करके एक आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बहुत आसान सी बात है, है ना, ध्यान रखना। एक और चीज, ये जितनी भी पावर्स होती है ना, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग अब वही नेता टाइप के बोलेंगे सर यहाँ पे ए बी और सी कैसी मैट्रिसेस है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिसेस है, जब भी किसी मैट्रिक्स में आपको कोई पावर दिखाई दे तो वो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है, हाँ क्योंकि आप किसी और मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करते, हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो मैं आपको 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दूं, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये है मैट्रिक्स बी, मैं आपसे पूछूं बी स्क्वायर, सर दिस इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, देखते ही पता चल रहा है क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की चीज को सेटिस्फाई नहीं करती, कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। तो जब भी कभी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आपको दिखाई देती है, इनफैक्ट कभी भी पावर्स दिखाई देती हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस की ही दिखाई देंगी, समझ गए, ठीक है, क्लियर है एकदम, लिख के भेजो, ओके ओके वाई एस या वाई एस ओके, सर समझ गए हम बात, आप क्या समझाना चाह रहे हो, अब कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये हम क्या सीख रहे हैं, समझ पा रहे हो, ये हम स्टेप्स अगर कुछ ऐसे करेंगे तो फिर हमें कैसे रिएक्ट करना है स्टेप्स कैलकुलेशन के वक्त में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात में बहुत जान है, ध्यान सुनना, सारी चीजें यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे, ध्यान सुनिएगा प्लीज, पुराने रूल एलजेब्रा वाले और अपना एक्स्ट्रा दिमाग, यस कौन सा दिमाग, एक्स्ट्रा ना लगाना सर, नया चैप्टर नया अफसाना, यहां पर आप हमें नई बातें सिखा रहे हो, इसी का ही रूल सिखा रहे हो तो इसी की ही बातें हम लगाएंगे, जो हमें पुराना आता है हम उसकी तरफ कभी नहीं जाएंगे, समझ गए, हाँ पुराना मतलब जैसे कि पुराना हमें क्या आता है सर, हम बताते हैं, अगर कभी हमें ए बी बराबर ए सी लिखा हुआ दिखाई देता है इस पूरे चैप्टर में, मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, यही चीजें आपको सवाल के जवाब तक पहुंचने में मदद करेगी, ध्यान सुनना, नया चैप्टर है, इसके नए ढंग है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हो ए बी बराबर ए सी दिखाई दिया और दोनों तरफ से आपने क्या किया सर, ए को काट दिया,
बी बराबर सी लिख दिया। मैंने पूछा क्यों भाई, बोले सर ऐसा होता तो था एक्स वाई बराबर एक्स जेड, एक्स एक्स उड़ा दो वाई बराबर जेड होता था। मैंने कहा ये बेटा रियल एलजेब्रा में होता था, यहां मत कर देना। या फिर आप ऐसा बोलो कि ए बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है ए बराबर नल मैट्रिक्स, तो ये भी गलत है। समझ में आया, आपको ये नहीं करना है जी, आपको ये नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ गए, है ना? तो सर दिस शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं करना है। ना ही आप ऐसे कैंसिलेशन कर सकते और ना ही आप ए को नल मैट्रिक्स बोल सकते। तो आपको क्या करना है वो समझा देता हूं। आप क्या करो, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाओ। सर ये लेफ्ट में जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। सर ये नेगेटिव रियल एलजेब्रा की तरह है। मैंने कहा बिल्कुल सही, यहां पर ये पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट में लेके जा रहे हो, ये क्या हो जाती है नेगेटिव, रियल एलजेब्रा की तरह, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहां पे क्या बचेगा, नल मैट्रिक्स। इसके बाद में आप लेफ्ट साइड से ए को कॉमन ले लो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स। बस यहां पर रुक जाना, यहां इसके आगे बताया जाएगा, इसके आगे वी विल डिस्कस। इनवर्स पढ़ाने के बाद में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और बताऊंगा, इसके आगे वी विल डिस्कस, बट अभी आप सिर्फ यही काम करके रुक जाओगे। हाँ, ए कॉमन ले तो लिया, ए कॉमन ले लिया, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, बस इसके आगे मैंने कोई रिजल्ट कमेंट नहीं किया। मैंने क्या बोला, इसके आगे आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रुकने का मतलब समझ में आता ना? हाँ, तो आपको एक तो यह समझ में आ गया ये नहीं करना है, और आपको यह समझ में आ गया कि आपको यहां तक जाना है। समझ गए, आए ना? अब आओ, ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी है, ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी है, अब की बार यहां पर ए दोनों साइड सेम था बट मल्टीप्लिकेशन में था, यहां पर भी ए दोनों साइड सेम है बल्कि अब की बार एडिशन में है। एक बच्चे ने बोला सर अब की बार बिंदास काटा पीटी मचा सकते हैं, तो आंसर इज यस, काट दो दोनों को और यहां पर आप लिख दो दिस इज बी बराबर सी। ये अलाउड है जी, बी बराबर सी लिखना अलाउड है, बिकॉज आपने कैंसिलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया है, बिल्कुल सही, ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना, ठीक है। अब यहां पर यह बात जो लिखी हुई है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बराबर नल मैट्रिक्स। इससे पहले रियल एलजेब्रा में क्या करते थे, ध्यान से हमने देखे थे ना, एक्स इंटू वाई जीरो हो तो हम क्या जवाब लिखते थे सर, या तो एक्स जीरो या वाई जीरो, है ना, या तो x0 या y0, है ना? यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते। दिस डज नॉट मीन कि a भी नल मैट्रिक्स होगा और b भी नल मैट्रिक्स होगा। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि a और b में से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आता है तो यह कतई ही जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। फिर बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि एक मैट्रिक्स की एटलीस्ट एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो। समझ गए मेरी बात, मैं एग्जांपल बताता हूं अभी। जैसे रियल एलजेब्रा में होता है एक्स इंटू वाई बराबर जीरो, तो एक्स जीरो या फिर वाई जीरो या दोनों जीरो, यहां पर ऐसा नहीं होता है जी। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स दिखे तो ए का भी नल मैट्रिक्स होना और बी का भी नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, जैसे मैंने आपको ये वाली मैट्रिक्स दी, ध्यान सुनना, 1 0 0 0, एंड दूसरी मैट्रिक्स मैंने ये दी, ध्यान सुनना, सामने एग्जाम्पल बता रहा हूं, यस यस यस, हाँ नजरें एकदम स्क्रीन पे, यस सर एकदम मजेदार है। मैंने पूछा फटाफट ए बी बता, ए इंटू बी बताना जरा यहां से, सर ए इंटू बी मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो यह है 1 0 0 0 और यह है सर 0 0 0 1, ए पहले बी बाद में, मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, जवाब आता है ये, ध्यान से सुनना, पहला रो पहला कॉलम सर जीरो, सर पहला रो दूसरा कॉलम जीरो, देख ले आराम से, दूसरी रो पहला कॉलम जीरो और सर दूसरी रो पहला कॉलम जीरो। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा आया है नल मैट्रिक्स के बराबर, और जबकि आप देख सकते हो कि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपको यह बोलूं कि भैया दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आता है तो क्या उनमें से किसी एक का या दोनों का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो आंसर इज नो, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये रहा एग्जांपल, ऐसा मैंने आपको हल्का सा चुलबुला सा एक छोटा एग्जांपल दिया, ऐसे लाखों करोड़ों एग्जांपल है बेटा, बहुत सारे हैं। क्या मेरी बात समझ गए, है ना? तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 3।
अब ये वाली बात आ जाती है, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आपको पता चला कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स आता है, तो सर क्या बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे नल मैट्रिक्स आएगा? मैंने आपको आज क्लास के स्टार्टिंग में बोला था ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल बताता हूं, यह है एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट थ्री, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट थ्री। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, ध्यान सुन, यह है एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट फोर, पॉइंट फोर समझ गए ना, पिछली स्लाइड पे जो आपका पॉइंट फोर है उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, जहां पर ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, बी ए को मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, देखता जा। हाँ मैट्रिक्स सिखा रहे हैं, ध्यान रखना सर, ये लो, फटाफट मैंने पूछा ए बी बता, ए बी मतलब सर 0011 और 1100, फटाफट ए बी निकाल और फटाफट यहां पर बी ए निकाल, बी पहले, देखता जा फटाफट, सामने देख रहे ना भाई, हाँ ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो मैंने एक मैट्रिक्स आपको ये दी, एक ये दी, जिसमें मैं पहले ए बी पूछ रहा हूं, ए पहले बी बाद में, सर 00 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 00 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 00 00 सर ये पूरा नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, पहले वाला नल मैट्रिक्स, दूसरा निकाल सर 00 1 1 1 प्लस 1 का होता है 2, 00 00 देख पा रहा है 00, तो ये 0, तो यहां पर आप देख रहे हो सर ये तो आया हमारे पास नल मैट्रिक्स, ये तो आ रही है नल मैट्रिक्स, और दिस इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ गए? तो भाई साहब अगर आपको कोई बोले या आपके दिमाग में कभी डाउट आए सवाल करते वक्त कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उनके उल्टे का प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स होगा, तो आंसर इज नो, आपके सामने ये रहा एग्जांपल। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलकुलेशन करते वक्त काम आएंगे, सिंप्लीफिकेशन करते वक्त काम आएंगे, हर मैट्रिक्स का सवाल ऐसे नहीं सॉल्व होता है कि आप मैट्रिक्स मान लो, आराम से आराम से आराम से लिख लो। सर आज आप लिखने का टाइम दे रहे हो, क्या बात है, आपके अंदर लगता है किसी और की आत्मा आ गई है, लिख नहीं लो मतलब समझ लो, लिखने का टाइम तो बाद में। एक क्या है पॉइंट टू में क्या चाहिए तुझे, पॉइंट टू तो सीधा सीधा ये लिख रखा है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर नहीं होता, वहां पे ये देख रहा है क्रॉस का साइन लगाया है कि नहीं होता है, ठीक है, हाँ ना। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पर, डिटर्मिनेंट आपको वैल्यू निकालनी सिखाई है मैंने, याद है, डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ही मजेदार है कि दो मैट्रिसेस आपको दे रखी है और उनके मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, मतलब ये लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालो, तो दिस इज एज सेम एज दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले और फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी बात को ध्यान सुनना, इसी बात को मॉड वाले तरीके से लिख रहा हूं सर, डिटर्मिनेंट के दो साइन आपने बताए थे, ये दूसरे वाला साइन जो है ना ये हमें मॉड से कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन से ही एरर होता है भैया, ध्यान से एरर नहीं करना है, तो सर ए और बी का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बात ऐसे लिख रहा है, समझ गए, पहली प्रॉपर्टी ये कि दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर दोनों की अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तब भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, जहां पर ये जो k है बेटा ये है स्केलर या फिर कांस्टेंट, कुछ भी बोल दो, दिस इज ए स्केलर बोल दो या फिर एक आप कांस्टेंट बोल दो, ठीक है, मतलब पहले आपने मैट्रिक्स को किसी नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब वो नंबर अलग निकलेगा इससे बाहर, ठीक है, तो वो पावर में एन लेकर अलग होगा। सर ये एन क्या है, यही तो बताना है तुम्हें, बताओ 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 सर, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, where n is the order of matrix है, समझ पा रहे हो, पहले आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, ठीक है, एग्जाम्पल देख इधर, जैसे मान लो एक छोटी सी मैट्रिक्स देख, सामने देखते हैं ना, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, मैंने एक मैट्रिक्स दी ये वाली, ठीक है, -1 2 3 और 4, मैंने पूछा व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, सर ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा सर -6, ये आ गया -10, तो मैंने इसी सवाल में आपसे पूछा था अगर ए ये है तो बताओ व्हाट इज 3 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, पहले ही बोल दे रहा हूं बेटा जी ये मॉड नहीं है, ये क्या नहीं है,
मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा प्लीज। आप इसको मॉड से कंफ्यूज कर करके जवाब ये मत दे देना कि सर आपने पूछा ये कि थ्री टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर थ्री इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब सर आपके हिसाब से जवाब आ गया -30। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो फिर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर क्या है सामने देख के बताना। सर इसका ऑर्डर है 2x2, है ना, इसका ऑर्डर है 2x2। तो जब ये डिटर्मिनेंट से, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, बार बार बोल रहा हूं, जब इससे बाहर निकलेगा तो ये पावर में ऑर्डर लेकर निकलेगा, पावर में ऑर्डर लेकर। कांस्टेंट नंबर डिटर्मिनेंट के अंदर वेटर टाइप होता है, कांस्टेंट नंबर डिटर्मिनेंट के अंदर वेटर टाइप्स होता है। वो बाहर जाता है तो पूछेगा क्या लेके आऊं, ऑर्डर। बोले जाओ फिर। तो इसको हम बाहर जाने से पहले कुछ ऑर्डर देंगे और वो ऑर्डर पावर में, सिर पे, ठीक है। तो भैया ये वेटर टाइप की सिचुएशन है, तो ये बाहर निकला, तो पावर जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ऑर्डर ये बाहर लेकर अलग होगा। तो सर ये लिखा हुआ है 9, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज -10, पूरा जवाब आएगा -90। ये सही है जी, वरना कोई खुराफाती बालक बोले सर मैं तो वैसे जाऊंगा। मैंने कहा कैसे? बोले सर मैं तो 3a निकाल लूंगा। मैंने कहा अच्छा, पूरी मैट्रिक्स को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर डाला, इसका मतलब क्या है, पूरी मैट्रिक्स को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर डाला तो हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई होने का है। तो -3, 6, 9 और यहां आ जाएगा 12। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दीजिए। बहुत सही है ना। तो ये कितना आ जाएगा -36, 12 3 36 ही होता है। और सर ये कितना आ जाएगा -54। ठीक है, 3a निकाल ली मैट्रिक्स, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। और वैसे समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है? तो सबसे ज्यादा मजेदार यही है, इसी को ही मैं डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में भी लिखूंगा भैया, क्योंकि आप लोग क्या मॉड मॉड चिल्ला रहे हो। तो k इंटू ए डिटर्मिनेंट साइन के अंदर, तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है कहां होता है सर? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो सामने वाली पार्टी की क्लास में होता है। अरे वो नहीं बोल रहा हूं भाई, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तुमसे कब होगा देखना। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ होगा ना सामने, देखना, हेलो हेलो हेलो, तो तुम बच गए। अगर गलती से कभी ऐसा आ गया ना और तुम हो भैया एकदम ओपी तेज लिखा, मतलब तेजी में है सर हम तो एकदम, ठीक है, हम तो सर एकदम तेजी में है। बोले -a का मॉड a, ये लो सर जवाब एकदम क्लियर है, सही है। अबे ये गलत किया तूने, वो मॉड थोड़ी डिटरमिनेंट है सर, मतलब ये नेगेटिव साइन भी तो कांस्टेंट ही है। तो -1 की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसमें भी आप ऐसा ही लिखेंगे -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या मेरी बात समझ गए? ये गलती मत कर देना बे, सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दे मॉड, समझ गए। प्रॉपर्टी 1, 2, 3 जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 2 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो रातों रात अमीर हो जाता है, ठीक है, आया ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखवा दूं, एक तो कलर का बड़ा चस्का है सर आपको, है ना, पिकासो, पिकासो टाइप। मैंने कहा ठीक है आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि a की पावर n का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, है ना। मतलब सर ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो ये है कि पहले मैट्रिक्स a को n बार मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट लो, और राइट साइड में लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट को ही n बार मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक बड़ा आसान है। आपने बोला था जब मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में हो तो डिटर्मिनेंट बढ़ जाता है, जितनी भी हो, 2 के लिए लिखवाया है चाहे n हो। तो ये लो टन 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 सब पे डिटर्मिनेंट बांध दिया, तो ये क्या लिखा हुआ, डिटर्मिनेंट a की पावर n, और ये a की पावर n का डिटर्मिनेंट। समझ गए कि नहीं समझे? पांचवी प्रॉपर्टी एकदम तुम्हारी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ध्यान रखना। हाँ, जो नहीं बताया वो भी हम सीख गए सर, और वो पहले सीखे। भाई साहब ऐसा मत कर देना यार। हाँ, आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में बांट सकते हो बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिटर्मिनेंट मत बांट देना कभी भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिटर्मिनेंट कभी नहीं बटता, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में। फिर एक बच्चे के दिमाग में आया, गुरुजी ने सब सिखाया था अलजेब्रा में, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं सिखाया। आपको पूरे चैप्टर में कभी भी ऐसा दिखेगा ही नहीं। दो मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता बेटा, दो मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में? तो डिवीजन की तो हम बात करेंगे नहीं कभी, क्योंकि वो होता ही नहीं है मैट्रिसेस में। क्या मेरी बात समझ में आती है सभी को? बोलो। ए बोलो सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही बेटा, नहीं आएगी। ईयरफोन तूने गलत जगह लगा रखा है। चलिए एक बढ़िया सवाल दूं। हाँ बढ़िया सवाल है एकदम, गुड क्वेश्चन। सर इस चैप्टर में चैलेंजर सवाल कहां है? मैंने कहा रुक तो जा, पहली चीज तो ये खुद ही चैलेंज है बेचारा, इसमें क्या चैलेंजर कराऊं? इसमें कोई भी सवाल आपके सामने लाके रख दूंगा, तुम बोलो सर ये था चैलेंजर। ये कहेगा चैलेंज? एक पूछ रहा बट वाई, अभी वाई वाले कौन लोग हैं यार?
ये वाई वाले वही है। तो वाई का जवाब इसका कुछ कुछ वैसा सही है कि तेरे हाथ कान के इधर से क्यों नहीं निकले हुए। सर मुझे कैसे पता होगा, जिसने बनाया उससे जाके पूछो भगवान से। वैसे ही बेटा समझ में आया, डिवीजन नहीं डिफाइंड होती, ठीक है। जिन लोग जो लोग बना के गए थे ना उनसे उनसे पूछिएगा, अब वो इस धरती पे है नहीं, तो उनसे सवाल का जवाब लेने के लिए आप समझ गए होंगे। हाँ सर अभी टाइम है उस सवाल का जवाब पाने में। तब डिवीजन जब होता ही नहीं है तो डिफाइंड कहां से बताऊं। पहले वाले सवाल का वैल्यू बता दीजिए फटाफट। सर ये जो पहले वाला है ना, ध्यान सुनना, पहले वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसमें आपने बोला था जो पावर है वो डिटर्मिनेंट के अंदर बाहर निकाली जा सकती है। देख रहे हो पावर अंदर थी उसको डिटर्मिनेंट के बाहर ले गए, समझ गए। तो ये लो सर, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। पहले वाला जिस जिसका जवाब आ गया है 4 वो कमेंट करके भेज दीजिए प्लीज। फिर आते हैं बेटा जी इस पर, ये क्या लिखा हुआ है। सर ये अंदर ही अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मुन्ना, बिल्कुल सही। सर 2a का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ 2a के स्क्वायर का मतलब क्या है, आराम से देख। इसका मतलब है 2a into 2a, और आपने बोला था स्केलर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। और ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, ये हमें समझ में आता है अच्छे से, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा कि ये पूछ क्या रहा है। सर बहुत अच्छा, डिटर्मिनेंट के अंदर 2a का स्क्वायर है मतलब वो हमसे पूछ रहा है 4a स्क्वायर। अच्छा ऑफ ऑर्डर 3, सर ये जो तीनों मैट्रिसेस है ना ये 3 ऑर्डर की हैं, ठीक है। अच्छा जब ये डिटर्मिनेंट साइन से बाहर जाएगा तो ये ऑर्डर को पावर में रख के ले जाएगा, ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट साइन से बाहर जा रहा है ऑर्डर 3। पीछे बचेगा सर यही सिनेरियो 4³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, 64 इंटू ये आया 4, 16 24 256 आया ना, 256 आ रहेगा, बहुत सही। 32 वाला कौन है भैया। हाँ सर हमारा जवाब 32 कैसे आएगा, या तो 16 आना चाहिए था, 32 अलग ही तरीके से। सर जो जवाब नहीं आ सकता वो हम पहले निकालते हैं। एक बच्चे ने बोला सर क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2a into 2a, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो है, यहां पे 2a लिखा हुआ है, 2a 2a दो बार है, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। व्हाट इज ये जब अलग होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 into डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये भी जब बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 3 into डिटरमिनेंट ऑफ a, 8 into 8 64 और mod of a into mod of a that is -2 into -2 वो भी a, तो ये भी 256 आ रहा है। कितने लोगों का 256 आ गया, मैच लिख के भेजो यार एकदम, MCH MDH लिख के भेजो। हाँ ये ठीक है, से जब भी मैच हो जाए असली मसाले सच सच MDH, ठीक है मैच्ड। अगले वाले का जवाब बताना ध्यान से, सवाल में गुड क्वेश्चन पहले लिख दिया है क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको इन सब स्टेप्स की आपको आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। सर डिटर्मिनेंट आप साइन वो वाला लगाओ जिसमें हमें कंफ्यूजन हो, मैंने कहा ठीक है 2a मल्टीप्लाइड बाई 3b मल्टीप्लाइड बाई 4c, वाह MDH असली मसाले सच सच, ठीक है सामने देखना। सर ये जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में कांस्टेंट फंसे होते हैं, जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में कांस्टेंट फंसे हो तो पहले कांस्टेंट को निपटाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 12 इंटू 2 से 24, और पीछे बचेगा सर ABC ऐसे। मैंने बोला ये 24 सीधा निकाल दूं, बोले नहीं सर ये गलती आप मत कर देना, मैंने कहा ठीक है। तो ये 24 जब इससे बाहर निकलेगा तो 24 क्या लेकर अलग होगा, ऑर्डर लेकर, और ऑर्डर कितना है ए इंटू बी इंटू सी, तीनों 3x3 की मैट्रिसेस हैं तो तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो मैट्रिस आएगी उसका भी ऑर्डर 3 होगा। ओ, भाई साहब अब इसके बाद में आप माए नी माए मुंडे रे तेरी बोल रहा है कागा, सिलेक्शन होने के बाद अपनी पड़ोसन संग भागा। ओ, 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 ओ हाँ सही बात है, सिलेक्शन होने के बाद में तुम्हारे घर वालों के तुम पे नजर ज्यादा होती है, बोले किसी का भाग ना जाए। हाँ बोले अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब तक इस पे खर्चा किया अब इसको पकड़ के रखो, ठीक है। हाँ इधर आओ सर, व्हाट इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, सर दिस इज -2, व्हाट इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, दिस इज 3, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी है बेटा 5, समझ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना जवाब आ जाएगा 24 की पावर 3। अब पूरा एक बोले ऐसा करके दिखाओ, आसानी से बच के नहीं जाने देंगे, मैंने कहा अरे रुके यार, 24 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 2 30, इसके आगे सॉल्व कर लेना बेटा। इसी में मुझे एक बढ़िया सवाल याद आया, थोड़ा क्रिटिकल, हाँ ऐसा एक सवाल पूछा गया था,
ये वाला जवाब दे दो फटाफट। हाँ वो जवाब जो भी आएगा तुम लिख लेना यार, इस वाले का जवाब दो, समझ गए ना, और इसको मजेदार बनाए। वाह सर ये क्या तरीका है, मैंने पूछा क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान हो रहा है, ये खतरनाक हो गया, जल्दी से बताओ जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। ये कौन है भाई, इतने ज्यादा काहे हंस रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, सही बोल रहा हूं एकदम। हाँ ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, नहीं मैं सच बोल रहा था ठीक है, जैसे आप कुछ बहुत एक बड़े एग्जाम को क्लैरिफाई करते हो या क्वालिफाई करते हो तो आपके पेरेंट्स जो है वो उनका नजरिया आपकी तरफ बदलता ही है, रिस्पेक्ट वाला तो आ ही जाता है साथ में, फिर वो आपको बोले इसमें नजर रखो भैया। हाँ ठीक है, मेरा एक दोस्त था कॉलेज पास करने के बाद में उसने आईपीएस आईएएस क्वालिफाई किया, बढ़िया रैंक आई थी, अभी आईपीएस ऑफिसर है। तो जैसे ही उसका क्वालिफाई हुआ तो घर में पूरा एकदम जश्न का माहौल, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी तो उसने सोचा कि अब ये सही मौका है पिताजी से बात करने का, है ना, क्योंकि अब तो क्वालिफाइड है, अब बोले क्या है बचपन से, बोले हाँ सही हमने इंजीनियरिंग भी एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, अब आईपीएस बन गया, इसके बाद में अब क्या चाहिए। तो उसके पिताजी ने उसको वैसे ही ड्रिंक्स पे बोला होगा कुछ बात, मतलब दोनों बाप बेटे हाँ आपस में, तो बोला होगा कि बेटा हाँ बताओ आगे का क्या प्लान है, कोई अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो कोई बता दो। तो उसने पहले तो रजिस्ट किया, बोले कि यार क्या बताना अब छोड़ो ये, फिर उसने सोचा कि यही सही मौका है, अब तो बोले अपने आईपीएस बन गया अब थोड़ी पिताजी कुछ कहेंगे। बोला कि हाँ पापा एक है गर्लफ्रेंड है साथ में पड़ी थी नजर में तो है बस। उसके बाद में सारा माहौल पलट गया, पिताजी भूल गए कि आईपीएस बन गया, बोले कोई बात नहीं कहीं भी नहीं बेटा शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा ठीक है। वो भी सोच रहा बोले वाह क्या झांसे में लिया क्या लपेटा भैया, तो बच के रहिएगा बाप हमेशा बाप ही होता है। चलिए आ जाओ इस माहौल में क्या है, ध्यान सुनना सर, ये मैट्रिक्स है समझ पा रहे हो, ये जो है ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ध्यान सुनना, ये है मैट्रिक्स और ये है एक नंबर, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, वो है मैट्रिक्स और ये क्या है नंबर। पहले मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू अलग से बता दे, 3 × मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड बाय सी, सर ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स ये जब कांस्टेंट बाहर जाएगा तो ये ऑर्डर लेकर अलग होगा, बिल्कुल सही, और यहां बचेगा बी इंटू सी, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 मॉड ऑफ बी, मॉड मत बोलिए सर डिटर्मिनेंट बोलिए, मैंने कहा ठीक है ये ठीक है, ये एक नंबर लिखा बिकॉज उस पूरे के डिटर्मिनेंट लगा हुआ ना इसलिए, तो ये बाहर गया तो 3 की पावर 3 क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी 3 है, और बी और सी की वैल्यू कितनी है 3 और 5, तो सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 5, तो मतलब आप बोल सकते हो दिस इज 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1। अब यहां आ जाओ सर, ये लिखा हुआ है बाहर 2 और ये एक नंबर है, तो इसको यहां लिखने के बजाय इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखो ये पूरा, मैंने इस नंबर को सॉल्व किया वो नंबर ये रहा और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये, अब ये नंबर जो पूरा है ये बाहर जाएगा विद ऑर्डर, तो 2 × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या मेरी बात समझ गए, सिर्फ पावर पावर में छोड़ देते हैं सवाल को, ये ऐसे ही मैंने अभी 2 की पावर 3 3 की पावर 12 5 की पावर 1 और यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज -2, फाइनली आप इसको लिख सकते हो -(-2)² 3 की पावर 12 5 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा। कितने लोगों को बात समझ में आई, कहां पर है एमडी, जीडीबीडी कहां होगी, अबे यार कहां पर जीडीबीडी, अच्छा इसमें 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, ओके हाँ ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना अब ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे सवाल काबू में करने आ गए होंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं जनरली बच्चों से मिस्टेक हो ही जाती है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को मॉड समझ बैठते हैं ठीक है। अब इधर आ जाओ ट्रेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट की ये सारी प्रॉपर्टीज थी एकदम सामने समझ में आती है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ये वाली इंपॉर्टेंट है, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर से नंबर अलग होगा तो वो ऑर्डर लेकर अलग होगा, ट्रेस की प्रॉपर्टी देखना जरा, पहली प्रॉपर्टी दो मैट्रिसेस को जोड़ो या घटाओ, दो मैट्रिसेस को पहले जोड़ो या घटाओ फिर उसका ट्रेस निकालो इज एज सेम एज, दोनों मैट्रिसेस का पहले ट्रेस निकाल लो अलग अलग फिर उन दोनों को जोड़ो या घटाओ ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इंटू ए ठीक है, आपने किसी नंबर से
किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रेस निकाला। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है 2105, ये है मैट्रिक्स ए। अगर मैं यहां पर आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए पूछता हूं तो आप बोलोगे दैट इज 7, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। फिर मैंने पूछा व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 3A, तो पहले मुझे आप मैट्रिक्स 3A बता दीजिए। सर सभी को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 0 15, तो सर ये आ जाएगा 6 और 5 21। तो बेसिकली अब की बार ये नंबर सीधा सीधा अलग हुआ है कि ऑर्डर लेकर अलग हुआ है, तो मैं ये बात जानना चाह रहा हूं, नंबर ऑर्डर लेकर अलग हुआ है कि सीधा सीधा अलग होगा ट्रेस के केस में? तो ट्रेस के केस में सर ये नंबर सीधा सीधा ही अलग हो जाता है। इसमें कोई ऑर्डर वॉर्डर लेकर अलग होने की जरूरत नहीं है। ट्रेस के केस में जो नंबर है वो सीधा सीधा अलग हो जाता है, इसमें कोई ऑर्डर लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है। देख ले डायरेक्ट यहां पर ऑर्डर नहीं आएगा, समझ गए मेरी बात? हाँ, यहां पर ट्रेस एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रेस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी आपसे कभी पूछा जाए तो इसको कभी ये मत बोल देना कि दिस इज ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, दिस इज रॉन्ग बेटा। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता डिटर्मिनेंट। ट्रेस उल्टा है, ये मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो यही चीज यहां भी बता देता हूं, दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर एन, क्योंकि अब ए की पावर एन का मतलब यही है कि वो मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। ठीक है, तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट और लेजेंडरी बात मैं अब लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट और लेजेंडरी बात मैं अब लिख रहा हूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज एज सेम एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी ए। ए बी का जो ट्रेस होता है वही ट्रेस बी ए का भी होता है। आपको दो मैट्रिक्स दी गई, आपको दो मैट्रिक्स दी गई, ध्यान सुनना मेरी बात, उसमें आप किसको पहले लिखते हो किसको बाद में लिखते हो, मतलब एलिमेंट्स का सम जो है वो सेम आता है उसमें, जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या आता है, सेम। मैं आपको ये वाली बात जो है वो 2x2 के लिए समझाता हूं, या 3x3 में चलने दे, क्या बोलते हो, है ना? ठीक है, 3x3 में चलने देगा, पर 3x3 में तुम संभाल लोगे क्या यार? 2x2 ठीक है, यहीं पे समझ में आ जाएगी यार बात। मान ले ये है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस, ऐसे जनरल लिख लिया, वरना तू चाहे तो कॉन्स्टेंट नंबर मान के भी कर सकता है। मैंने पूछा ए बी का मुझे ट्रेस चाहिए, तो सर अगर आपको ए बी का ट्रेस चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेस अगर आपको चाहिए, हाँ नहीं 3x3 में तुम संभाल लोगे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, यही देख ले। तो अगर आपको ट्रेस चाहिए तो सर आप ये वाला नंबर एक निकाल लो और ये वाला निकाल लो। मैंने पूछा क्यों पूरी मैट्रिक्स क्यों नहीं, बोले ट्रेस में इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, एपी बी आर, एपी प्लस बी आर, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला नंबर चाहिए तो सेकंड रो सी क्यू डी एस। अगर मैं यहां पर आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी पूछता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी पूछता हूं तो इन दोनों का सम, तो आप बोलोगे एपी प्लस बी आर प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है जी, आया ना, बहुत बढ़िया।
अब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स बी ए निकाली, और बी ए निकालने के लिए जैसा आपने बताया था सर पहले ही कि मैट्रिसेस की जगह बदल दो, ये बी है तो ए इसके बगल में लिख लेता हूं, ए बी सी डी, फिर से मुझे यही दो एलिमेंट चाहिए, ए वन वन और ए टू टू, ध्यान सुनना, पहला रो पहला कॉलम ध्यान सुनना, ए पी क्यू सी, दूसरा रो दूसरा कॉलम बी आर डी एस। अब अगर मैं यहां पर आपसे ट्रेस ऑफ बी ए पूछता हूं, नो डाउट एलिमेंट अलग अलग आए हैं, मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूं, ट्रेस की बात हो रही है, ध्यान सुनना, यहां पे आएगा एपी प्लस क्यूसी प्लस बीआर प्लस डीएस, देख पा रहे हो शायद, बीआर ये लिखा हुआ, सीक्यू ये लिखा हुआ, एपी ये लिखा हुआ, डीएस ये लिखा हुआ, क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है, क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है क्या, एमडीएच लिख के भेजो। तो ये मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप मैट्रिसेस में इन दोनों की जगह बदलते हो तो ट्रेस सेम आता है, ठीक है, इसी बात का यूज देखना जरा ध्यान से, इसी बात का यूज, ये वाली हम क्लास में बात बता के निकल जाते हैं, सवाल देखना इस पे कैसे जोरदार बनाया कि क्या ये बात सही लिखी हुई है, इनमें से कौन सी चीज सही लिखी हुई है। हाँ, इसी बात का यूज करके उसने एक और रंग बिरंगी बात छाप दी, इसी बात का, इनफैक्ट इस बात को जब आप पढ़ते हो तो आप इस बात को कैसे पढ़ोगे कि दो मैट्रिसेस अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी अगर जगह बदल दो तो टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान सुनना, यह सारा सही नहीं है बट आधा सही है, ध्यान सुनना सर, यह वाली बात बराबर होती है इसके, एकदम सही। मैंने पूछा कैसे भाई, बोले सर लो ध्यान सुनना, सर आप इस पूरी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बोल सकते हो, बोले हाँ। मैंने पूछा कैसे भाई, अच्छा ट्रेस आप अगर निकाल रहे हो तो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस है, ध्यान रखना ये, तभी ये सारी चीजें डिफाइंड है, ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, तो ये सारी मैट्रिसेस है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वरना ये सब डिफाइंड ही नहीं होगा कभी भी, तो मैं डिफाइंड वाली सिचुएशन में जा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपने ये दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक ही मैट्रिक्स आएगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगी, बोले सर आपने यही तो सिखाया कि एक मैट्रिक्स की जगह बदल दो, मैंने कहा ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मान लो एम है, तो ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए एम, इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम ए, मैंने कहा ठीक है, अब तेरे पास मैट्रिक्स जो एम है वो कौन सी है, मैंने कहा बी इंटू सी, तो ये ले, तो ये लो, इन दोनों को एक साथ उठाकर आप आगे लेके जाओ, तो बी सी ए, बिल्कुल सही। फिर ये वाली कैसे बनी होगी, सर अब की बार उसने मैट्रिक्स इसको एक मान दिया मल्टीप्लाई होने के बाद में, इसको उठाकर सी के बाद में ले आया, ये लो, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया गया है। ठीक है, वरना ये वाली चीज याद रखना कि दो को एक मैट्रिक्स मानकर फिर आप उनकी जगह बदल सकते हो। सर इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें कोई साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, यहां पर आप इनमें से किन्हीं दो को एक मैट्रिक्स मानकर आगे पीछे करोगे तो ये कभी नहीं बन पाएगा, इसमें बी और ए की जगह बदली हुई है, देख ले आराम से, तो ये सारे आपस में बराबर होते परंतु इसके बराबर नहीं होते, ये सारे आपस में बराबर होते परंतु इसका ट्रेस कुछ और आएगा। कितने लोगों को बात समझ में, यही बोल रहा हूं, सारे आपस में बराबर हैं पर ये सारे इसके बराबर नहीं है, समझ में। तो आप ये वाली चीज याद रखना कि दो मैट्रिसेस का अगर आप जगह बदलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फोर्थ वन रॉन्ग लिख तो दिया भाई, और कितनी बार लिखूं, लिख तो दिया नॉट इक्वल टू, यार ये लिख तो दिया, ठीक है, आ जा फटाफट। अब एक सवाल करते हैं ट्रेस पे दिखने वाला भयंकर सा, जल्दी से ट्रेस पर भयंकर सा दिखने वाला सवाल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एबीसी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, या फिर एबीसी मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर 4 आना चाहिए ऑब्वियसली, यहां पे 2 का स्क्वायर कर लेना, फिर 8 और ये, ठीक है, शुरू हो जाए। एक पूछ रहा है साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, भाई साहब अद्भुत अगम असहसी परिभाषा है, ये भी बताएंगे बेटा, बिल्कुल सब बताएंगे, जिस जिसका वादा किया है ओ मेरे डोलना डोलना रे, ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में सी के बाद में सी के बाद में ए के बाद में बी, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। अब एक बोले सर मैं तो साइकिल ऐसे चलाता ही नहीं, मैं ऐसे चलाता हूं, तो ये तो एंटी साइक्लिक हो गया भाई साहब। एक चीज का तुम लोग दबा के फायदा उठाते हो, है ना, कौन सा फायदा उठाते हो,
अच्छा आपको ये पता है कि ये चीज जो है वो ऐसे लिखी हुई है, एबीसी मैट्रिक्स है और ये हाफ, सर ये कांस्टेंट इससे बाहर आ सकता है। बिल्कुल सही, सबसे पहले मेरा जो ध्यान जाता है या फिर किसी भी चीज पे जाएगा, आप देखो ध्यान से, यहां पर मैट्रिक्स बी इंटू सी है, यहां पर मैट्रिक्स बी इंटू सी का स्क्वायर, यहां पर मैट्रिक्स बी इंटू सी का क्यूब। फटाफट मुझे आप मैट्रिक्स बी इंटू सी बताइए प्लीज, मैट्रिक्स बी इंटू सी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। सर ये 3 4 सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में, ध्यान रखना, सिर्फ तू ही चैटिंग करके टाइम पास कर रहा है फिर बोलेगा सर मैं तो पीछे रह गया। बी इंटू सी बताते बिकॉज उसी की पावर चल रही है। अच्छा एक चीज मैं वो बताना ही भूल गया, किस चीज का फायदा उठाते हो, बोले ऑनलाइन है ना। हाँ उस दिन बोले थे ना, ऑनलाइन आने की खुशी ना लास्ट सीन देखने का गम। हाँ सर हम भी मास्टर पे जम के करेंगे सितम, क्या उखाड़ लेगा देखते हैं कितना है दम, है ना। बोले और कुछ भी लिख दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये कौन सा बाहर आ जाएगा, और बाहर आ भी गया तो कौन सा पहचान लेगा, इतने सारे नाम है। अच्छा देख ध्यान से, 9 में से 8 गया 1, -12 + 12 0, 6 - 6 0, -8 + 9 1। बी इंटू सी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी इंटू सी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर इतनी तेज पढ़ाओगे, मैंने कहा ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। सर ये क्या लिखा हुआ है, एबीसी कितना हो जाएगा, सर बी इंटू सी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इंटू आई, ए इंटू आई सर ट्रेस ऑफ ए। सर ये कितना हो जाएगा, दिस इज ट्रेस ऑफ ए अपॉन 2 का स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूं, हैं? बोलो बोलो बोलो, बिकॉज बी इंटू सी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी इंटू सी की पावर 2, बी इंटू सी की पावर 3, इन सभी की ही वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में आप कुछ भी रखो तो जवाब यही होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना ये बता दो। अच्छा कितने लोगों को ये पता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है यहीं पर ही प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस के अंदर कांस्टेंट फंसाओ मल्टीप्लिकेशन में तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, दिस इज 1/2 ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज 1/2 का स्क्वायर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज 1/2 का क्यूब, 8 को बेटा 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो ध्यान सुनिएगा प्लीज, फाइनल आंसर फटाफट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है सर, 3 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर है 1, यहां है हाफ, फिर है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब। अरे समझ में आ रही है ये बात, सही सी बताना, एमडीएच लिख के भेजो। अरे वाह तुमने जवाब पेल दिया, मैं इधर अलग ही लगा हुआ हूं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, ठीक है यहां देखकर। सर इसमें जीपी का सम इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म इज 1/(1 - R) सॉरी, तो 1/2 इज नथिंग बट 2 × 3 = 6, बहुत बढ़िया शाबाश। इस पे आता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, ठीक है बहुत बार आता है, ठीक है, मतलब हायर पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, हायर पावर से मतलब है कोई भी बड़ी पावर दिखाई देगी आपको, ठीक है, हायर पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, समझ पा रहे हो, हायर पावर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, हायर पावर का मतलब है, एक सेकेंड एलईडी वाली स्क्रीन ऑफ होगी जिसपे तुम्हारे कमेंट चल रहे थे, चल गई। हायर पावर का मतलब है कि एक मैट्रिक्स जिसमें आपको सवाल में ना ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ए की पावर 100, समझ पा रहे हो, जैसे ये वाला सवाल है कि ये मैट्रिक्स है ए की पावर 100, बताओ सर आर यू सीरियस, आर यू किडिंग मी, मैंने पूछा कैसे, बोले ए की पावर 100 थोड़ी निकालते हैं, ए स्क्वायर ठीक है, ए क्यूब भी ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे माहौल में हो तो ए की पावर 5 तक भी जा सकते हैं, 100 तक बोले सर माहौल खराब हो जाएगा सारा। मैंने कहा देख बेटा वहां तक भी जाएंगे, गणित नाम का हथियार सब जगह काम आता है। इसमें हमारे पास 2 मेथड है, कितने मेथड है बेटा, 2 मेथड्स, ध्यान सुनना, 2 मेथड्स टू ऑपरेट, ठीक है, और दोनों मेथड इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक कहीं पे लग रहा है तो दूसरा वहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा। आप जब भी आपको हायर पावर वाला सवाल दिखाई दे तो आप 2 तरीकों से एक्टिवेट हो जाएंगे, पहली चीज आप क्या बोलोगे इसमें, मेथड 1 जो कि वेरी ऑब्वियस है बाय ऑब्जर्वेशन, कौन सा मेथड, बाय ऑब्जर्वेशन या फिर बाय पैटर्न, समझ में आया, इसमें क्या बनता है, पैटर्न बनता है, पैटर्न बनता है, ठीक है, मेथड 1 में क्या करना है, पैटर्न बनता है। आप क्या करो, कैलकुलेट ए स्क्वायर, इसमें मैं बता रहा हूं आपको करना है, कैलकुलेट ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, बस इन दोनों को, ए आपको दे ही रखा है, ए स्क्वायर और ए क्यूब देखो
ऑब्जर्व पैटर्न एंड राइट डाउन ए एन, ऑब्जर्व पैटर्न पी ए डबल टी लिख के छोड़ दे रहा हूं, एंड राइट ए एन, राइट ए की पावर एन। ए स्क्वायर निकाला हमने, क्या किया हमें एक दे रखा था, हमने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, पैटर्न देखते देखते हमने ए की पावर एन रख दिया पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। कितने लोगों को यह बात समझ में आई मेथड वन वाली? मतलब सर इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करके देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बोल भाई ये बात समझ में आई? पैटर्न बनेगा आपको ये दोनों या तीनों, कई की बार एक ही पावर फोर तक भी जाना पड़ सकता है, है ना। फिर आ जाओ मेथड टू पर। यहां पर मेथड टू क्या है, ध्यान सुनना। मेथड टू में आप बोल सकते हो, इसमें हम इसको बोलते हैं जबरदस्ती मेथड, समझ में आया? इसमें आप क्या करो, जबरदस्ती आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर लो, ठीक है। जबरदस्ती आप क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग करो एंड देन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। और जैसे ही मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा, कुछ लोगों के आंखों में जो चमक थी वो गायब हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला मेथड ज्यादा वायरल है, ज्यादा यूज होता है और ज्यादा जगह लगता है। ये वाला मेथड सब जगह तो नहीं लगता, बट कई कई जगह लगता है। समझ गए मेरी बात? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आई? दोनों मेथड समझ में आए, दोनों मेथड से हम सवाल सॉल्व करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये सब जगह लगेगा ऑलवेज, मतलब जहां जहां पे पूछा जाएगा ना वहां पे वैलिड होगा ये, ठीक है। हमें यही यूज करना है, बट फिर भी आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, जबरदस्ती आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग करो और सवाल सॉल्व कर दो। जैसे कि यहां आया मैं, मुझे बोला गया ये वाला, पहले मेथड टू से ही बताता हूं या फिर मेथड वन से? पहले मेथड वन, जो ज्यादा यूज होना है, जो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेथड वन में तो तुम्हारा काम है बेटा, मेरा कोई काम नहीं है। पैटर्न देखो, पैटर्न फटाफट ए स्क्वायर निकाल, स्टार्ट हो जा, चैटिंग पे ध्यान ना दे। 4 1 -9 -2 ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सर यहां पर भी 4 1 -9 -2 फटाफट ए स्क्वायर कैलकुलेट कर जल्दी से। अब ये एग्जांपल ये है, आई एम गो विद एग्जांपल वन, यस आई एम ऑल्सो गो विद एग्जांपल वन, मेथड वन बे और गो विद क्या होता है सर? आपसे पढ़ने के बाद में हमारे साथ ऐसा हुआ है, इंग्लिश की हमने आपने एकदम लंका लगा दी। मैंने कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं मैथ सीखनी आपको। मेथड वन, एक बोला सर प्लीज चेंज योर माइक, ठीक है बेटा प्लीज सेंड मी द मनी, पेटीएम नंबर ले लीजिए वहां पर, फिर मैं नया माइक खरीद के लाऊंगा। ओके, वीडियो इज बफरिंग, कोई बात नहीं बेटा, एवरी वन इज सफरिंग, देन वाई शुड नॉट वीडियो, और कौन है? मैं ये टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं टाइम पास करके, तो मेरी बातें सुनो। बोले वाह सर, एक ने तो ठुड्डी के नीचे हाथ लगा लिया, वाह सर ये बातें क्या करो, मजा आता है। मैंने कहा वो सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है। चलो भाई, ए स्क्वायर बताना जरा सर, 16 - 9 कितना होता है? 7। 4 - 2 - 2 4 - 2 ठीक है, -36 + 18 -9 + 4 देखना ये आ रहेगा, 7 - 2 - 18 - 5 7 - 2 - 18 - 5 बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाओ ए क्यूब पर। हाँ बेटा ए क्यूब निकालना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यही तो बात कर रहा हूँ, पैटर्न में यही तो होता है, पहले ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकाल दिया, अब ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब में ऐसा नहीं तीन बार फिर से मल्टीप्लाई करने लगे, ये अगर ए स्क्वायर ही है, इसको फिर से एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 - 9 - 2 आ जाओ, 28 - 18 कितना हो गया बेटा ये? 10। 7 में से 4 गया 5 ठीक है, देख लेना यार, 10 3 कैसे आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 - 4 तो अच्छा, 7 में से 4 गया तो 3 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। -18 × 4 कितना होता है? 9 × 5 तो +45 होता है, 18 × 4 होता है 32 72 -72 72 + 45 कितना हो जाएगा? 37 हो गया, क्या देखना जरा, नहीं 27 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -27। देखना जरा एक बार आपके क्या कह रहे हैं, हाँ 10 3 - 27 और -8 लास्ट वाला, और कैलकुलेट करते हैं, -18 + 10 - 8 बिल्कुल सही। अब बारी आती है ए की पावर 100 की।
सीधा पैटर्न ऑब्जर्व करके लिखने का। कहीं पे अगर आप पैटर्न ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाओ तो फिर आपको ए की पावर 4 भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कितने लोगों को यह चीज दिखाई देगी, सबसे पहली चीज कितने लोगों को यह दिखाई देगा, यहां पर अगर 1 लिखा है, यहां पर अगर 2 लिखा है, तो यहां पर से 3 लिखा है। पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि हर एक एलिमेंट के साथ हो क्या रहा है। दिखा पहला 1 2 3 करते जाएंगे सर, यहां पर क्या आएगा 100, ठीक है, यहां पर क्या आने वाला है 100, ठीक है। अब इधर आ जाओ सर, इस एलिमेंट को देखो जो A11 है, उसमें पहला एलिमेंट है 4, फिर इसमें एलिमेंट आ रहा है 7, फिर इसमें आ रहा है सर 10, समझ पा रहे हो। A11 देख ले पहले, सबसे पहले मैंने आपको A12 दिखाया, 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा 100 ए की पावर 100 में, ठीक है। अब मैंने आपको बता रहा हूं A11 के साथ क्या हो रहा है, तो 4 7 10 दिख रहा है शायद ये एपी है, इसकी टी 100 पता कर ले, क्यों, क्योंकि जब पावर 1 है तो यहां पे 4 आया, पावर 2 है तो यहां पे 7 आया, पावर 3 है तो यहां 10 आया, तो पावर 100 है तो क्या आएगा इस एपी की 100 टर्म, वो क्या होती है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोलना जरा ये कितना आ गया, 99 इंटू 3 27 और 29 है ना, 27 और 2 29 प्लस 4 301, बिल्कुल सही, तो यहां आ जाएगा बेटा 301, ठीक है, है ना। तो ये हो गया हमारा A11 का पैटर्न। अब आ जाओ इस एलिमेंट की तरफ, -9 -18 -27, ये बताओ क्या है, इसमें क्या चल रहा है ये बताओ। कोई बोलेगा सर 3 की पावर में नहीं लिखा हुआ ये, क्योंकि 3 की कोई भी पावर 18 के बराबर नहीं होती, तो मतलब आप इसको बोल सकते हो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। यहां पर लिखा हुआ सर 9 इंटू 1, ये लिखा हुआ 9 इंटू 2, ये लिखा हुआ 9 इंटू 3, तो सर पक्का फिर ये लिखा हुआ है 9 इंटू जो भी पावर है दैट इज 100, है ना, बिकॉज यहां पर 9 इंटू 3 है पावर 3, तो यहां पर 9 इंटू 2 है पावर 2, तो यहां पर 9 इंटू 1 है पावर 1, तो यहां पर ये आएगा, ठीक है, और माइनस साइन पहले से है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट बचा है वो बता दो यार, सर यहां लिखा हुआ है -2, ए 2 2 की बात कर रहा हूं, फिर यहां लिखा हुआ है -5, यहां लिखा हुआ है -8, तो माइनस साइन तो आना ही आना है, माइनस साइन तो सर आना ही आना है। अब क्या क्या चल रहा है देखना, 258 है ना माइनस का, यही है, तो माइनस साइन मैंने अलग से लगा दिया। अब मुझे बताओ 258 क्या आप लोगों को एपी में दिखाई दे रहा है, हाँ सर, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसकी 100 बता दे मुझे, टी 100 टर्म, तो सर दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 297 प्लस 2 299, ये आ रहा है 299, देख के बताना जरा एक बार, -299, आराम से देख लो पैटर्न पूरा फॉलो करते हुए, पैटर्न समझ में आ गया कि हर एक एलिमेंट के साथ भैया हो क्या रहा है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, समझ गए, हाँ ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू पैटर्न मेथड 1, ठीक है। अब मैं आता हूं मेथड 2 पर, ध्यान सुनना सर, जो हमारा मेथड 2 है, मेथड 2 बहुत ही आसान है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, 4 1 -9 -2, ए जो है वो क्या है, सामने देखते रहे ना, 4 1 -9 -2, इसमें हमें क्या करना है, MDH, बहुत बढ़िया, इसमें हमें जबरदस्ती एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर लेना है, ध्यान सुनना, पहले ही इसको ऐसे तोड़ के लिख दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जबरदस्ती मैंने अलग कर लिया, कर लिया। अब एक बार बताओ यहां क्या लिखूं, कि यहां पर क्या लिखूं कि जुड़ के 4 आ जाए तो सर 3, यहां पर क्या लिखूं कि जुड़ के 1 आ जाए तो सर यहां पर 1, यहां पर क्या लिखूं कि जुड़कर 9 आ जाए, मतलब इसका और इसका एडिशन -9, और इन दोनों का एडिशन जो है वो कितना आ जाना चाहिए, इस प्लेस और इस प्लेस का एडिशन -2 के बराबर, समझ पा रहे हो, जबरदस्ती मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर ले रहा हूं, जल्दी से बता, इन दोनों का एडिशन मतलब इस पोजीशन और इस पोजीशन का एडिशन ये आना चाहिए, तो सर -3, क्या मेरी बात समझ गए। देखो अब आप इस पूरे को बोल दो एक मैट्रिक्स बी, और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको बोल दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है, तो ये सर हमारे पास हो जाएगा ए बराबर बी प्लस आई, समझ गए। मेथड 2 का स्टेप 1 क्लियर है, ध्यान सुनना, मेथड 2 का स्टेप 1 क्लियर है क्या, मेथड 2 का स्टेप 1 क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो, है ना, तो बी प्लस आई कर लिया, जबरदस्ती हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग कर दी, अब इसमें दोनों तरफ पावर 100 लगा दीजिए, अब इसमें दोनों तरफ पावर क्या कर दीजिए 100 लगा दीजिए, मतलब ए की पावर 100 इज बी प्लस आई की पावर 100। अच्छा एक और चीज, हमेशा जो बी की पावर है ना वो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, मतलब बी को आप सेकंड पोजीशन पे लिखना, वैसे तो क्या फर्क पड़ रहा है कैसे भी लिख लो, बट एक्सपेंशन के वक्त बी को सेकंड पोजीशन पे रखना चाहिए, बी को कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे, सर लॉजिक क्या है उसका अभी समझ में आ जाएगा,
क्योंकि अगर बी प्लस आई का एक्सपेंशन करोगे तो बी की पावर 100 से शुरू होगी कहानी। तो बी की पावर सर, ए की पावर 100 निकालने गए थे उसमें बी की पावर 100 की जरूरत पड़ गई, एक मैट्रिक्स की 100 की पावर पूछी थी आपने, दूसरे मैट्रिक्स की 100 की पावर अटका के छोड़ दी। तो पावर बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, 100C0 फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी पावर 100, और सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल है बी जिसकी पावर 0। फिर आते हैं सर अगली टर्म 100C2, फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा 100C1 कहां गया, 100C1 फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 99 और सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल है वो है बी। अगली टर्म आएगी सर 100C2, आई की पावर 98, बी की पावर 2, और ऐसे ही चलता जाएगा। क्या यहां तक एकदम कहानी क्लियर है? क्या यहां एकदम कहानी क्लियर है? क्या बिल्कुल सही, ध्यान सुनना। देखो 100C0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, बहुत आसान है ना। कैसे सर? 100C0 का मतलब है दिस इज 100 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, ये भी 100 फैक्टोरियल, ये और ये सेम, ये आ गया 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैंने आपको याद रखने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो 100C0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। वैसे ही सर 100C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, आराम से देख ले वापस, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको करके दिखा रहा हूं। 100C1 का मतलब सर ऊपर 100 फैक्टोरियल, यहां पर 1 का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 99 फैक्टोरियल। जो लोग बोलते हैं ना हमें फैक्टोरियल नहीं आता, सिखा रहा हूं ध्यान रखना, वरना मैं सीधा जवाब भी लिख सकता था, ठीक है सर। और 100 फैक्टोरियल का मतलब आपने बताया था 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम या मल्टीप्लीकेशन। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब है 100 × 99 × 98, ऐसे करते करते 1 तक, और नीचे लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 99 का मतलब है 99, 98, 97, ऐसे। तो ये पूरे और ये पूरे तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, यहां बचेगा 100, ठीक है। वैसे आप 99C2 भी निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, निकाल देंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 100, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी की पावर 0, एक मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स बी आपने ये बोली, इसकी पावर 0 क्या बोली थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। सर ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है बी, तो आई इंटू बी बराबर सर यहां लिखा हुआ है बी, और सर यहां लिखा हुआ है आई इंटू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन में बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, समझ गए? इसमें आपको क्या करना बेटा, बी स्क्वायर, हाँ मेथड 1 ओपी है, बिल्कुल सही, ये पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब यहां पे देख रहे हो बी की पावर 0 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बी की पावर 1 सर हम संभाल लेंगे वो हमें पता है, बी की पावर 2 कैसे निकाले, मैंने कहा देख ध्यान से, बी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूं, 3 1 − 3 − 9 − 3 फटाफट बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, सामने दिखता रहना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 − 9 0, 3 − 3 0, −27 + 27 0, −9 + 9 0, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, हाँ शाबाश, कि जो आपके पास बी स्क्वायर आ रही है ना, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए नल मैट्रिक्स, और अगर बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो बी क्यूब, बी की पावर 4, बी की पावर 5, ये सारी की सारी नल मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि आपने बताया था, अच्छा बी नल मैट्रिक्स नहीं है ध्यान रखना, बी का स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ रहा है, ये भी एक मजेदार है, खतरनाक, देख रहे हो, एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जिंदा है, स्क्वायर करती है उसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए, और अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हुए तो आगे आने वाली सारी बड़ी पावर्स नल मैट्रिक्स हो जाएंगी। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, बी क्यूब कैसे हुआ, मैंने कहा एक बार बता बी क्यूब निकालेगा कैसे, बोले सर ऐसे निकालेंगे बी स्क्वायर इंटू बी, ये बी स्क्वायर है, तो मैंने कहा इसको नल मैट्रिक्स जो तेरी तू बी क्यूब निकालने जाएगा वो यही तो लिखेगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए भी नल मैट्रिक्स आएगा, अब वैसे ही बी की पावर 4 निकालेगा, बी क्यूब में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा तो ये आगे वाली सारी नल मैट्रिक्स होगी। अगर आगे वाली सारी नल मैट्रिक्स होगी ध्यान सुनना, तो ये इतना पूरा पार्ट नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, क्यों, इसीलिए मैंने बोला था बी की पावर बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, इसलिए बी सेकंड पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो यहां तक का खेल आगे वाले सारे खत्म हो गए, बी स्क्वायर, बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 100 तक सब नल मैट्रिक्स। तो सर फिर खेल बचा क्या, मैंने कहा कुछ नहीं, 100C0 की वैल्यू होती है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 100C0 की वैल्यू, सॉरी 100C1 की वैल्यू होती है 100, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 99 इनटू मैट्रिक्स बी दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी दैट इज बी, आगे सारे नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होती है 1 1 0 0, सर 100 इनटू बी कितना हो जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या है, क्या आपको ये दोनों जोड़ के लिखने आते हैं, तो आंसर इज सर यस, इसको अंदर भेजेगा तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा −900 और ये हो जाएगा −300, दोनों का एडिशन बता दे सर, 300 + 1 301, 100 + 0 100, −900 + 0 −900, और −300 + 1 −299,
मेरे ख्याल से यही मैट्रिक्स यहां आ रही है, 301 100 माइनस, और ये बिल्कुल सही। कितने लोग एकदम फुली मैच करते हैं, फुली मैच करते हैं, सही सी बताइएगा, फुली मैच करते हैं, है ना, एमडीएच है एकदम। तो मेथड टू जो बच्चों को है थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बिकॉज इसमें क्या पावर्स वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, ये 100C0 100C2 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जो लोग 11th क्लास से बिलोंग करते हैं बेटा, समझ में आया, मुझे पता है आपके मन में ये आएगा कि सर इसको समझा दो, एनसीआर की वैल्यू और एक्सपेंशन मैंने आपको आज की क्लास में लिखा दिया है, इसके फालतू और इससे बाहर कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब एक बच्चा ये बोल रहा है कि सर अगर ये मैट्रिक्स बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं होती तो भाई साहब आपको ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मैट्रिक्स पकड़ा देगा और आप किसी भी मैट्रिक्स की पावर 100 निकालने चले जाओ, ठीक है ना, वहीं पर ही आप पावर निकाल सकते हो, सवाल जहां पर ऐसा लिखा हुआ हो। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ली तो लो सर 1 2 3 4 और इसकी पावर 100 निकाल लेते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, निकाल के देख, इसमें कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, समझ गए। तो वैसे ही जब आपसे वो हायर पावर पूछता है, मतलब सवाल उसने बनाया है, सवाल आपको खुद नहीं बनाना है, सवाल उसने बनाया, तो जब आप उसके बनाए हुए सवाल को सॉल्व करोगे तो पक्का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी जो मैट्रिक्स बी है उसकी हायर पावर्स या तो नल मैट्रिक्स बन जाती है, या तो नल मैट्रिक्स बन जाती है, या फिर उसकी हायर पावर्स भी इसी के बराबर ही आनी स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने सवाल मैंने सॉल्व किए उनमें यही देखा गया है कि बी स्क्वायर मान लो बी आ गया, बी क्यूब भी बी आ गया, ऐसा कुछ बनते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको वहां रिफ्लेक्ट होंगी। तो पहला नंबर पॉइंट, मैंने आपको ये हायर पावर निकालनी सिखाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी हायर पावर दिखे और आप किसी भी मैट्रिक्स पे हायर पावर लगा दो तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं जी, जो सवाल आपके सामने आए जिसमें वो पूछे उसमें आप निकालिएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया पैटर्न तो पैटर्न फॉलो करने वाला है भैया, ठीक है, सबसे बढ़िया जो है वो तो पैटर्न फॉलो करने वाला है। जेई मेंस 2020 में, सॉरी 19 में एक सवाल आया जिसमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी, और ये एनसीईआरटी में भी ये मैट्रिक्स, ये बहुत फेमस मैट्रिक्स है, इसकी पावर 32 पूछी गई है, दिख गया हायर पावर आ गई, इसमें क्या दिख रहा है, पावर हायर पावर आ गई तो 32 देखी गई है, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क वाला सवाल है जो कि हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एक ये वाला सवाल, ए की पावर 2008, ये दोनों क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रह गई, ट्रांसपोज भी रह गए यार, ओह माय गॉड, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो जाने चाहिए, वैसे तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये वाले, बट अगर नहीं भी हो कोई क्वेश्चन जिसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो, ठीक है, हायर पावर वाले आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ट्रांसपोज वगैरह शब्द कहीं दिखाई दे तो वो छोड़ देना इनमें से, ऑल दो मैं इनमें लेके नहीं आया हूं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं फॉर द होमवर्क, और हाँ अपना ट्रांसपोज और वो फोर स्पेशल मैट्रिक्स रहेगी, क्या बोल रहे हो, हाँ कोफैक्टर माइनर अभी कुछ नहीं बताया बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, जो आपको चीज मॉड्यूल में लिखी हुई सुनाई किसी किताब में देती है तो ऐसा नहीं है कि आप उन सवालों पे टूट पड़ो, हो सकता है मैं गलती से कोई ऐसा एक सवाल लिख लाऊं जो, वैसे तो ये गलती नहीं होती है, हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सवाल ना दें जो आपसे सॉल्व ना हो, क्योंकि फिर तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें लगेगा बताया नहीं है, बट जो भी ऐसा कोई आपको अटपटा नाम दिखाई दे, कोफैक्टर माइनर, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब बातें अभी नहीं बताई है, तो जब बता दूंगा फिर आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आता है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए शायरी, हाँ बहुत दिन हो गए, शायरी इज वेरी कंपलसरी, आ जाओ फटाफट एक बार वाह वाह कर दो फिर क्लास खत्म करते हैं, तुम्हारी जो है वो अगली क्लास का भी वक्त होने को आया भैया। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, आज घड़ी वाले लोग नहीं आए यार, कितने बजे है नेक्स्ट क्लास, अभी 6:30 से है ना, हाँ 6:30 से, वेरी गुड, ध्यान सुनना मोटिवेशनल है प्लीज, और जैसा कि मेरा हर बार मेरी इंटेंशन यही रहती है कि भैया आप चाहे किसी भी मोमेंट पे हो आपको वो बोलते हैं ना वापस फील्ड में, वापस पटड़ी पे अपने आप को लाना ही पड़ेगा, वापस लाइन पे लाना ही पड़ेगा, उसी के लिए ही है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझमें मरने को था उसको जिंदा कर लिया मैंने, समझ में आया ना, बाकी सब दुनिया से विश्वास और ध्यान हटा दीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, उसी के लिए लाइन बोली गई है, अगर कोई सेलेक्ट करवा सकता है आपको तो वो आप खुद हैं, बाकी सब सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। हम क्या बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें सेलेक्ट करवा दे, नहीं, वो आपके अंदर ही है। सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसको जिंदा कर लिया मैंने, और जब आपने ऐसा कर लिया तो अब फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत जल्द मुलाकात होगी जी, बिल्कुल, हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, 100% लेंगे, और कब लेंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कल ही एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो क्या, इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब लेने वाला हूँ, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।